इज आउट ऑफ डेंजर, इस बार तो वो बच गया है। मेरी एक सलाह है, उसे साइकाइट्रिस्ट को दिखाइए। आपका मतलब लव स्टोरी? जी हाँ, अनंत और वो लड़की एक दूसरे के प्यार में थे। अच्छा, उन दोनों ने शादी का मन बना लिया था तो मैंने भी तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन शादी से एक हफ्ते पहले वो लड़की कार एक्सीडेंट में मर गई। ये खबर सुनकर और डेड बॉडी देखकर अनंत पागल सा हो गया। पूरी रात सो नहीं पाता था, एकदम से जोर जोर से चिल्लाने लगता था। उसने तो आत्महत्या करने की भी कोशिश की, ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली थी। और कुछ दिन पहले एक आदमी के मानसिक तनाव का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। हमारे लिए एक परेशानी छोटी सी चीज हो सकती है, लेकिन पेशेंट के लिए बहुत दर्दनाक हो सकता है। शिवरात्रि वाली रात जब एक पति अपनी पत्नी की पसंदीदा सीडी लेकर नहीं आया तो उसने आत्महत्या कर ली, ये मैंने अखबार में पढ़ा था। वैसे ही आपके बेटे के लिए परेशानी बड़ी है, आप उसे ये बात समझाइए। मैं भी उसे हिप्नोटाइज करके समझाने की कोशिश करूंगा। अब आप बाहर जाइए और उसे अंदर भेजिए, अब मैं उससे बात करना चाहूंगा। अनंत, डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। मेरी आंखों में देखो, अब तुम मेरी आंखें देख रहे हो, अब तुम्हें धीरे धीरे गहरी नींद आ रही है, बहुत ही गहरी नींद आ रही है। तुम खुशी से सो रहे हो और अब तुम धीरे धीरे सपनों की दुनिया में जा रहे हो, और अब तुम धीरे धीरे गहरी गहरी नींद में पहुंच चुके हो। इस वक्त तुम बहुत ही खुश हो, गहरी गहरी नींद में सो रहे हो, जहां तुम्हें अब कुछ और सुनाई नहीं दे रहा, अब सिर्फ तुम्हें मेरी ही आवाज सुनाई दे रही है। अब जो भी मैं तुमसे कहने वाला हूँ वो तुम्हारे दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ेगा। अब तुम बहुत आराम महसूस कर रहे हो, तुम्हारे मन में अपार शांति का वास है, और अब तुम एक नई दुनिया में जा रहे हो। आराम से, आराम से, आराम से। अपना वक्त बर्बाद मत करना, हमेशा अपने आप को व्यस्त रखना, हो सके तो थोड़ा अध्यात्म पढ़ना, तुम ठीक हो जाओगे। सुनो अनंत, मेरे साथ हैदराबाद चलो, तुम वहाँ गेस्ट हाउस में रह सकते हो। नहीं भैया, अगले 2-3 महीने मैं कहीं और जाना चाहता हूँ, इस जगह से दूर चले जाना चाहता हूँ। अच्छा, ये कपड़े प्रेस के लिए ले जाओ, मैं शाम को ऑफिस से आते वक्त ले लूंगी। ठीक है। ए चिट्टी बाबू। हाँ बोल। कल रात तुम्हें एक लड़की के साथ देखा, कहाँ लेकर गए थे उसे? हाँ, मस्ती करने। तुम चलोगी आज? ए, ज्यादा बोल रहा है। चुप कर, तुम्हें तो मुंह लगाना ही बेकार है। मैं आदमी के मुंह नहीं लगता, पहले गलत सवाल पूछते हो और कुछ बोलूं तो बुरा लग जाता है। ओए चिट्टी बाबू, अब तुम्हें क्या हुआ? मैं सुना तू पंजाब गया था। हाँ गया था। तो पहली बार गया था, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मुझे नहीं, उन्हें उन्हें समझ में नहीं आया मेरा कैरेक्टर। अरे तुमने इसे चाय में क्या पिला दिया? इतना हंस क्यों रहा है? सरदार को हंसा दिया, कमाल कर दिया तुमने। मैं तुम्हारी और तुम्हारे सीढ़ी की कहानी सुना रहा था ही नहीं, कैसे तुम दिन भर दूसरे के घरों में झांकते रहते हो। भगवान करे दूसरा भी टूट जाए। क्यों ना यार, अच्छी से ब्रश करवाते शर्म नहीं आती? अपने नकली दांतों को बाहर निकाल के खुद ही साफ कर लो। हाथ में दर्द है। अक्कल बट रही थी तो कहाँ थे? सो रहा था। उधर भी सो ही रहे थे। हाँ। मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता। अरे ओ सत्यानंद, कुछ सुना कि नहीं तुमने? भूख से बचने के लिए स्वामी जी ने घास खाना शुरू कर दिया। कौन सी नई बात है, तुम्हारे दिए खाने को मैं भी नहीं खाता। अरे मारती क्यों? वहाँ बैठकर क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ आगे क्या करना चाहिए। चुप कर झूठे, एक बात कहूँ भाभी? हाँ? बैठे बैठे इसकी शक्ल बंदर जैसी होती जा रही है, जल्दी कुछ करो वरना पेड़ पे बैठ जाएगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। वो कहेगा तुम मान लोगी? ऐसा नहीं चलेगा, नहीं दौड़ेगा। एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई राजू है ना? कहाँ मिलेंगे वो रहा टकलू? अरे सुनो, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, एक ही थाली में खाते थे, उसी में छेद करते थे। शुरू से ही ये मुंह पर था, पर मैं बुरा नहीं मानता था। राजू तो मैं ही हूँ, तुम कौन हो? मिस्टर कृष्णम राजू ने आपके लिए बर्थडे का केक भेजा है। आपका बैंक वाला काम हो गया ये भी कहा है? पर मेरा बर्थडे तो एक हफ्ते बाद है। अरे मजाक में भेज दिया होगा। ऐसा भी होता है? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही मजाक करते हो? या तो बैंक ने तुम्हें चुना लगाया होगा या बैंक को तुमने। दूसरी वाली बात सच होगी। हाँ। ब्लड बैंक और आई बैंक के अलावा ये किसी दूसरे बैंक को नहीं जानता। अब मैं चलता हूँ सर, मिस्टर राजू ने कहा है कि वो आपको फोन करेंगे, अपना थोड़ा फोन नंबर दे दो ना। 383। ये क्या हुआ, अपने शहर में तो 7 नंबर का फोन चलता है। तुमने ही तो थोड़ा मांगा। चल बे, क्या हुआ, निकल यहाँ से। लगता है सारे बदतमीज यहीं पे आ गए। क्यों बे, बड़े प्यार से केक भेजा है, ये कृष्णन राजू कौन है? अरे वो सब बाद में, पहले बर्थडे की बधाई दो और केक खाओ। हैप्पी बर्थडे। अरे क्या जानवर की तरह टूट पड़े, ठीक से खाओ ना। वाह वाह, मजा आ गया भाई। अच्छा अच्छा ठीक, अब तो बता दो वो आदमी कौन है। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, कहाँ से शुरू करूँ?
जब हम छोटे थे स्कूल में एक साथ चौक खाते थे। अभी तुम्हारा कैल्शियम बढ़ा नहीं। वो बंद कर चुपचाप खा। वो बंद रहेगा तो खाऊंगा कैसे। अरे फ्री का केक खाओ खा। भुक्कड़ की तरह खा रहे हो। केक सच में हमारे लिए ही था ना। क्या हुआ तुम्हें कोई शक है क्या। नहीं नहीं मुझे कोई शक नहीं है। वो आदमी वापस आ रहा है ना इसीलिए। आप रेलवे कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर रामा राजू है ना। इसका नाम सुब्बा राजू है। हे भगवान मैं तो बर्बाद हो गया। इन्हें मैंने अगली गली में रहने वाले राजू समझ के केक दे दिया। हमने तो खा के पचा लिया। अब तुम्हें चाहिए तो सुबह आ जाना। ए सुबह सब तैयार रहना। इनको वापस देना है। अगर मेरे बॉस को ये पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये 600 का केक था और तुमने भिखारियों की तरह खा लिया। मैं तो पहले ही कह रही लेकिन आप तो कुछ सुनते ही नहीं ना। इसके पैसे दो। पैसे देने होंगे। देने होंगे मुझे। हाँ? नहीं दूंगा। हाँ? मैं इससे नहीं डरता। ये सब रहने दो भाई। पैसे मैं दे देती हूँ। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। भी प्यार। अरे सब लोग अपनी निगाहें फेर लो। मेरी बीवी मुझे प्यार करने वाली है। आज तो लगता है हमारा भाई भूत बनेगा। बाप रे मर गया। चार पैसे कमाने की अकल तो है नहीं बेवकूफ आदमी। सर में दर्द कर दिया है तुमने। आज खाना ही नहीं दूंगा। ऐसा नहीं होगा। क्या कहो। अच्छा ठीक है लीजिए। थैंक यू। अरे भाई अभी से चॉकलेट बांट रहे हो। बिना इंटरव्यू के ही सिलेक्ट हो गए क्या। दरअसल अब तक मैं 99 इंटरव्यू दे चुका हूँ। ये मेरा 100वां इंटरव्यू है। अगर इस बार भी नौकरी नहीं मिली तो क्या करोगे। चाय का धंधा तो है ही ना। वो तुमने नहीं सुना। चाय बनाने वाला कुछ भी बना सकता है। वो सब तो ठीक है पर एक बात बताओ सिर्फ चाय बनाने से गुजारा कैसे होगा। चाय के साथ खाखरा बेचने का भी धंधा खोलूंगा। खाखरा सूरत से ही लाओगे ना। अनिल कुमार ये ले पकड़। गुड मॉर्निंग सर आई एम अनिल कुमार। हाँ तो मैं क्या करूँ सर। मैं बैठ सकता हूँ। Get up. तुम बैठ क्यों गए। मैंने तुमसे बैठने के लिए कहा क्या। जब मैंने आपसे पूछा आपने हिला के हाँ कहा। हाँ तो तुम रोकोगे मुझे। हाँ पता नहीं आजकल के लड़कों को क्या हो गया है। संस्कृति संस्कार कुछ बचा ही नहीं। छी छी लाओ सर्टिफिकेट्स दो। तू क्या मेरा होने वाला दामाद है। तिलक लगाकर तेरे चरण धोकर बैठने के लिए कहूँ तब जाकर बैठेगा क्या। अब मैंने बैठने के लिए कहा है तो बैठ जाओ। इतनी सारी डिग्रियां कौन से मार्केट से खरीदी। अरे वाह आप कॉमेडी अच्छा करते सर। हाँ मुझे तो पता ही नहीं था ये कॉमेडी है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है। उदय तो मर जाएंगे। हम दोनों में अनलकी कौन है। नौकरी मुझे नहीं दी तो आप अनलकी होंगे। नौकरी तुम्हें नहीं मिलेगी अनलकी मैं कैसे। क्योंकि मेरे जैसा होनहार और मेहनती आदमी आपके हाथ से निकल जाएगा। अच्छा और मान लो अगर मैं तुम्हें नौकरी दे दूं तो चाय और खाकरे बेचने का प्लान मैं कैंसिल कर दूंगा। मिस्टर अनिल कुमार आप इतने होनहार हैं इतनी सारी डिग्रियां हैं आपके पास फिर अब तक किसी ने नौकरी क्यों नहीं दी आपको। सच सच बोल दूं आज तक मैं जहां नौकरी मांगने गया उन लोगों ने मुझसे चंदा मांगा और मैं चंदा हरगिज नहीं देता। चलो अच्छी बात है तुम समझदार हो इसलिए एक राज की बात बताता हूँ। ये नौकरी तुम्हें नहीं मिल सकती क्योंकि मैनेजमेंट ने पहले ही सेटिंग कर ली है। नहीं मुझे बुरा नहीं लग रहा मेरे साथ रोज होता है। आज तक इस तरह किसी ने खुलकर बात नहीं की। थैंक यू वेरी मच। नौकरी करना ही जिंदगी का मकसद नहीं आप समाज सेवा भी कर सकते हैं। वेरी गुड तुम्हारे ख्याल नेक है ये अच्छी बात है। अगर बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ। बताइए सर। नाइट वॉचमैन की वैकेंसी है अगर मंजूर हो तो नौकरी पक्की। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आई एम रेडी। बहुत सारे लोगों को ये नौकरी भी नसीब नहीं होती। कोई भी काम छोटा नहीं होता। नौकरी मंजूर है। सही कहा। ये लो तुम्हारे सर्टिफिकेट्स। जी सर। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें ऐसा जॉब दिलवाऊं जी सर जो तुम्हारी क्वालिफिकेशन के मुताबिक हो। ठीक है सर। ब्रदर मुझे एक बात बताओ अगर तुम्हें जॉब नहीं मिली तो तुम क्या करोगे। रस्सी खरीद के झाड़ पे लटक के सुसाइड कर लोगे। बैड न्यूज़ है। इसकी जरूरत मुझे नहीं तुझे पड़ेगी। ला चॉकलेट ला। मेरी शर्ट अभी प्रेस कर दो। ऐसे ही पहने हुए मैं उतार कर देता हूँ ना। यहाँ लेडीज है पेड़ के पीछे जाओ उतारो। ये लेडीज है। एक तो वैसे ही देर हो रही है और ऊपर से ये हुकुम चला रहा है मुझ पर। ले पकड़। इस पर थोड़ा पानी छिड़क दो। अरे उसकी शर्ट पानी में डाल दी। वो बेचारा पेड़ के पीछे वहाँ खड़ा है। तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया है। क्या कर रहे हो जल्दी करो ना। दिन भर सपने देखती रहती हो। अरे और कितना टाइम लगेगा। अभी टाइम लगेगा चुपचाप खड़े रहे वहाँ पे। उसे ऐसे ही दे दूँ। मुंह बंद कर अपना। मेरा नाम एन सुबाराव है। प्यार से लोग मुझे तूफानी पुकारते हैं। मैंने भी ये मान लिया है क्योंकि मैं इसे रोक नहीं सकता। आ गया तूफान। एम सूर्या राव जो मेरे अंकल थे अन्नावरम मंदिर में काम करने वाले अप्पा राव उनके साले हैं। यहाँ को अंडी बाबू भी है जो यहाँ की चोर पार्टी के कार्यकर्ता है। वो चंद्रकला रोज का सुब्रमण्यम देवी प्रसाद के गति बाबू सती राजू रामा राजू उन्होंने एक साथ मिलकर खूब दारू पी और सारे के सारे नहर में बह गए। ये खबर सुनकर नीलाद्री उसका साला बलराम कृष्णा राव बीज बेचने वाला सूर्य नारायण ये सब उन्हें गोदावरी नदी में ढूंढने गए। ये सारे बेकार के लोग मिल कर मोती पल्ली गेटी से निकले और फिर से खंबा लेके पीना शुरू कर दिया। इन बेवड़ों की तो इस तरह मुझे क्यों मारा था। अब ये बताओ तुम हो कौन और यहाँ क्यों आए हो। मेरी एक ट्रायंगल लव स्टोरी है। एक शादीशुदा औरत से प्यार हो गया। मुझे बहुत लेट हो रहा है किसी और के कपड़े दे दो। अपने कपड़े बाद में ले लूंगा। ये लो
पहन लो। तुम कुछ कह रहे थे ना, ये चालू रहती है तो कुछ समझ में नहीं आता। भैया मुझे एक शादीशुदा औरत से प्यार हो गया। तुम्हें हो गया? हाँ। तुम्हारे जैसे प्रेमी लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन उसका जालिम पति बीच में आ गया। पर वो दिखता कैसा है? आओ इधर, मैं तुम्हें बताता हूँ। सर पे गमछा बांधता है, बेवकूफ हो जैसी मूछे, गले में एक तावीज बांधता है, गंदा सा बनियान और रबड़ की चप्पलें, और एक बात बताना भूल गया, उसकी धोती बदबूदार गंदी सी है, ये समझ लो इस वक्त वो मेरे सामने खड़ा। हाँ, मुझे भी दिखा। पर मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें किसी न किसी तरीके से उसे ठिकाने लगाना ही होगा। 25 रुपए लूंगा मैं। 25 रुपए में कोई काम करता है? ये लो ऐश करो, 50 रखो। नीचे का तो पहन लिया, ऊपर के लिए कुछ मिलेगा? उसे ठिकाने लगाने का तरीका बता सकता हूँ, पर अपनी शादी में बुलाना होगा। अब बातों को इतना खींचो मत, जल्दी से इसे अपना तरीका बता दो। अच्छा एक काम करो, जब वो रात को सो रहा होगा तो कोई भारी पत्थर लेकर उसके सिर का कचूमर बना देना, वो मर जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऊपर नीचे का फिट हो गया है, अब बीच के लिए भी कुछ दे दो। ये ले। क्या पटाखा चीज है यार, मुझे उसी वक्त इसे देख लेना चाहिए था जब ये पेड़ के पीछे खड़ी थी। अरे ओ डॉगी भाई, इस बुड्ढे को लेके कहाँ चल दिए? हेलो, सठिया गए हो क्या? इंसानों को छोड़कर जानवरों से बात कर रहे हो? अगर ये सच होता तो मैं पहले तुमसे बात करता। क्या कहा? मैं तुम्हें जानवर दिखता हूँ क्या? सही वक्त पर आए हो, तुम दोनों चिड़ियाघर चले जाओ, वो लोग तुम्हें पिंजरे में डाल देंगे, मेरी गारंटी। अबे चुप कर। क्यों? अरे पुट्टा राजू, इसे कहाँ ले जा रहा है? जैसे चिल्ड्रंस डे वैलेंटाइंस डे होता है वैसे डॉग्स डे है आज, शो में लेकर जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या कमाल करता है। पुट्टा राजू, तुम कोई मामूली आदमी नहीं हो, तुम एक डॉबरमैन हो, तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। बकवास बंद। ए शास्त्री, बोलिए। अपने तोते से मेरा भविष्य निकलवा। आपका नाम क्या जजमान? सत्यानंद। प्यारे तोते, सत्यानंद का कार्ड निकाल। शाबाश, आपका भाग्य। सुनिए जजमान, आपकी जल्दी शादी होने वाली है और पहले ही रात आप उसे मार दोगे। ये बात तो मैं पहले से ही जानता हूँ, ये बताओ मैं पुलिस से बच पाऊंगा या नहीं? उसका एक्स्ट्रा लगेगा। मैं दूंगा ही नहीं। वो मैं बता दूंगा, अभी इनके पैसे दे दो। उसकी जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ, तुम्हारे जीजा को बहुत ही जल्द पुलिस सीढ़ी पर लिटा कर ले जाएगी। मुंह बंद रख अपना, वरना तेरी अर्थी बिछा दूंगा इसी सीढ़ी पर। तू सच्चाई सुन। ठीक है। तुम्हारी बहन ने कहा था कि उसके पेट में कीड़े थे, तो मैंने उसे कीड़े की दवा पिला दी, तुम्हारी बहन कीड़ों के साथ मर गई, तो इसमें मेरी क्या गलती? कोई गलती नहीं। नहीं ना। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे किराए पर कमरा मिल सकता है? नहीं, हाउसफुल है। छुट्टी खोली चलेगी, ऑफिस पास में ही है ना, चल के जाऊंगा, चल के आऊंगा। अच्छा है, चलने में तुम्हारा टाइम बीत जाएगा, घर क्या करोगे? मैंने कहा ना, यहाँ कोई कमरा नहीं। आप बात करो ना, काम बन जाएगा। एक बार कह दिया तो कह दिया, कोई कमरा खाली नहीं है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैं हूँ हाथ से टूटा और दिमाग से पैदल, हम दोनों की खूब जमेगी। क्या है? तुम बीच में मत आओ, काम क्या करते हो? मैं बड़ी कंपनी में छोटे गेट का वॉचमैन हूँ। और मैं बड़ी दुकान का छोटा सेल्समैन हूँ। किराया 500 तक दे सकता हूँ। एक काम करो, इसको मेरी वो वाली खोली दे दो। बहुत कम है, मैं दिन में ही रहूंगा। तो अरे मेरी बात सुनो, तुम कल सुबह आ जाना। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आपको भी थैंक यू। वेलकम नॉट, वेलकम नॉट। तुमने उस लड़के को सुबह क्यों बुलाया? धंधा बेचकर गांव जाने वाले हो क्या? इस बारे में मैं तुमसे कल बात करूंगा। मेरे पास ऐसा धमाकेदार आइडिया है जिससे तुम 1000 रुपए महीना कमा सकते हो। क्या बात कर रहे हो यार, इसी की तो जरूरत थी मुझे। आइडिया चाहिए तो 1000 रुपए लगेंगे, पहले एडवांस दो फिर बताऊंगा। अब बोलो, वो लड़का काम क्या करता है? कंपनी में नाइट वॉचमैन है। और वो लड़की जो वहाँ ऊपर रहती है वो क्या करती है? वो कंपनी में इंजीनियर है। वो दिन में नहीं रहेगी, रहेगी क्या? नहीं तो। और वो लड़का रात को नहीं रहेगा? बिल्कुल। दिन के वक्त लड़के को रहने दो और रात को लड़की को रहने दो। कल जब वो वापस आएगा तो उसके सामने ये शर्त रखना कि बिना लड़की को बताए उसे वहाँ रहना होगा। तुम बस एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह उनके आने जाने का ख्याल रखना। लड़की जो किराया भरेगी वो मकान मालिक के पास, और उसका किराया तुम्हारी जेब में। बताओ कैसा लगा मेरा आइडिया? क्या बात है, अद्भुत। कल रात सपने में रामोजी राव ने फिल्म सिटी मेरे नाम कर दी। मैं भी एक बात बताऊं, कल रात मेरे सपने में दो दो हीरोइनें आई थी, दोनों ने बहुत परेशान किया। ऐसा क्या, पहले क्यों नहीं बताया? बताया तो था, लेकिन सरोजनी ने कहा कि तुम रामोजी फिल्म सिटी के कागजात लेने गए। ये हर बार मजा खराब कर। झाड़ू चाहिए? नहीं नहीं ठीक है। ये कौन आ गया, क्या चाहिए तुम्हें? यार किराए पे कमरा था ना मेरा। कमरा किराए का? किसने बुलाया तुम्हें? वो जो काला सा आदमी जिसकी आंखों में गड्ढे पड़े हुए हैं। वही जो भैंसे की तरह दिखता है, जिसने एक आदमी को मार दिया था, वही ना? और वो जो सीढ़ी लेकर हर घर में झांकता फिरता है और जिसकी आंखें बटेर जैसी हैं, वही ना? भाई ऐसे आदमी को तो मैं नहीं जानता। अरे ये आदमी मेरे जीजा से मिलने आया है। हाँ, बोलो क्या काम है? कल मैं आया था, आपने कहा सुबह आ जाना, कमरा मिल जाएगा। चलो चलो चलो, जाके छुप जाओ, तुम खोपचे में आओ। अबे दिमाग है कि नहीं? ये बातें सबके सामने नहीं की जाती, अभी क्यों आया है? आप ही ने तो कहा था। राज की बात सुन, और ये बात किसी को बताना नहीं। ये कमरा दिन भर खाली रहता है, तुम इसमें रह सकते हो। आपका मतलब यहाँ पहले से कोई रह रहा है? यहाँ एक लड़की रहती है, जब वो लड़की सुबह ऑफिस जाएगी तब मैं सीटी बजाऊंगा, तब तुम कमरे में जाओगे।
जैसे ही वो शाम को ऑफिस से आएगी मैं फिर सिटी बजाऊंगा। तुम फटाफट भटक लेना। छुट्टी के दिन उसके साथ घूमूंगा। सपने देखना बंद करो। छुट्टी के दिन तुम फुटपाथ पे और लड़की सोएगी खाट पे। इसका मतलब है आप मुझे उस लड़की के जानकारी के बिना ही कमरे में रख रहे हैं। सही पकड़े हो मेरे दोस्त अमरीका प्रसाद। बेवकूफ कहीं के अकल नहीं है क्या करता है? चिल्लाना जरूरी है? किडनी में हार्ट अटैक आ जाता। तेरे जैसा रूममेट किसी को नहीं मिलना चाहिए। चल अब इतना भाव मत खा। मेरा मैसेज मिला था तुझे। हाँ मिल गया। तूने अभी अभी तो कहा इतना भाव मत खा। अच्छा सुना तूने। मेरी बात सुन, मुझे ऑफिस के पास कमरा मिल गया। तो शिफ्ट क्यों कर रहे? मैंने ज्यादा बोल दिया क्या? नहीं यार, कंपनी से यहाँ आने जाने में रोज 4 घंटे बर्बाद हो जाएंगे। ये तूने सही कहा। वैसे एक तरह से अच्छा भी है, पास ही में मेरे अंकल रहते, उनके डर से मैं खुल के दारू नहीं पी सकता। तेरे कमरे में मजे करेंगे, खूब दारू पियेंगे, ऐश करेंगे। रात पाली में लड़की रहती है, दिन पाली में वहाँ मैं रहूंगा। अबे ये क्या चक्कर है, रात पाली दिन पाली? हा? लड़की और मकान मालिक को बिना बताए केयर टेकर ने मेरे वहाँ रहने का इंतजाम किया है। छुट्टी के दिन क्या करोगे? मैं यहाँ आकर आराम करूंगा। तो मेरे अच्छे दोस्तों मना नहीं करोगे? जब तक मैं अमेरिका नहीं जाता तू यहाँ बिंदास रह। एक बार मेरा ग्रीन कार्ड बन जाएगा तो आधार कार्ड कैंसिल। तुम अमेरिका जा रहे हो? सोचा तो। अपनी शक्ल देखी है तुमने? रुक जाओ। दिन के उजाले में सामान उठा कर लाए हो? ये लंगूर कौन है? ये प्रसाद है, मेरा जिगरी दोस्त है। मिलकर खुशी हुई। उसे कहा था ना, क्लास फ्रेंड हो क्लोज फ्रेंड हो, फ्रेंड का फ्रेंड भी नहीं आएगा, समझे? गर्लफ्रेंड इसे लेकर क्यों आयो? मेरा सामान उठाने के लिए। अपना सामान खुद ही उठाना पड़ेगा, भगाओ इसे। इसका रूम तो छोड़ो, मैं इंडिया में नहीं रहने वाला हूँ, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। तुम टेंशन मत लो, छुट्टी के दिन मुँह उठा कर आ जाना। ठीक है, किस तरह? इस तरह जा रहा हूँ। लगता है ये स्वर्ग की सीढ़ी है, स्वर्ग के द्वार खोलकर अप्सरा के दर्शन करूंगा। मैंने कहा था फिल्म में हीरोइन गोरी है, वो तो काली निकली, लेकिन ये उससे ज्यादा गोरी है। आइंदा झूठ बोला तो सर फोड़ दूंगा तेरा। हाँ, जैसे तू हमेशा सच बोलता है, आया सिर फोड़ने मेरा। नमस्कार महोदय, क्या हमें यहाँ मकान रहने के लिए मुफ्त में मिलेगा? वैसे तुम मुफ्त में क्या करते हो? मैं एक लेखक हूँ और चलचित्र की कहानियाँ लिखता हूँ। अभी तक कितनी कहानियाँ बेची हैं? कहानी तो नहीं बिकी, पर कहानी के पन्ने रद्दी में बिक गए। क्या? अरे सीटी बजाई नहीं और तू आ गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कितनी बड़ी? मैंने अपना शेविंग रेजर बाथरूम में छोड़ दिया। अरे ये क्या कर दिया तूने? अब वो बाथरूम में मुंह धोने जाएगी, अगर उसने रेजर देख लिया मेरा टिकट कट जाएगा। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। मैंने अपना अंडरवेयर नहीं पहना। अरे तो चिल्लाने की जरूरत क्या है, ये भी तो कभी अंडरवेयर नहीं पहनता। सही है ना, देखो उसकी बीवी कितनी खुश है। अरे चुप करो, ये सब इसके सामने क्यों कह रहे हो? मुझे लगता है अगर मैंने नहीं पहना है तो इसने पहना होगा। बकवास बंद करो। खिड़की में सूख रहा होगा। सच कह रहा हूँ, सुबह मैंने उसे धोया था, ब्लू कलर का है। बेडरूम की खिड़की या बाथरूम की खिड़की याद नहीं आ रहा कहाँ टांगा। जल्दी से टांगा मंगा लो, हम सब मेरे गाँव जाएंगे, वहाँ पहाड़ से कूद के हम सब सुसाइड कर लेंगे। तो तुम अकेले भी कर सकते हो। चुप कर, 5 रुपए दो, एक बढ़िया सा आइडिया लो। ऊँची किस्मत, ये रख। बोल, अपना मुंह बंद करो और मेरे पीछे आओ। हेलो मैडम। तुम लोग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तू बताता क्यों नहीं है? तुम ही चिल्ला रहे थे ना, तुम ही बताओ। तुम ही कह रहे थे ना बार बार कि तुम्हारा शेविंग रेजर बाथरूम में रह गया। हाँ याद आया, बात ये है कि मैं तो बस ये चेक करने के लिए आया था कि नल में ठीक से पानी आ रहा है। अबे मकान मालिक ने हमें पता करने के लिए कहा है कि यहाँ किसी चीज को रिपेयर करने की जरूरत तो नहीं, और अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकती है। सब कुछ एकदम बढ़िया है, टाइम वेस्ट मत करो। मैं चेक करके जाऊंगा, नहीं तो मालिक मेरा नल बंद कर देगा। तुम लोग मुझसे चाहते क्या? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तेरा ध्यान किधर है? मैं नल चेक करने जा रहा हूँ, तब तक तुम इन्हें मामला की कहानी सुनाओ। मामला? हाँ। कैसा मामला? हाँ मामला मतलब हाँ मामला। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को अकेले ही सारा ज्ञान दे दिया था। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता ना, वैसे ही गीता का ज्ञान सारी दुनिया में लीक कैसे हो गया ये उसकी समझ में नहीं आ रहा। पागल। मेरा दोस्त सुब्बा राव बहुत ही बड़ा फाइनेंसर है, उसने वेंगल राव को प्लास्टिक सर्जरी के लिए 40,000 रुपए लोन पर दिए हैं। सोचो कितने कमाल की बात है, प्लास्टिक सर्जरी होने के बाद सुब्बा राव वेंगल राव को पहचान नहीं पाया। और तुम जानती हो वो कौन है? तुम्हें पता भी है वेंगल राव कौन है? कौन है? अरे जो अंदर है यही है। अरे तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? हम पागल नहीं है, बस दिमाग से 1 किलोमीटर पैदल है। चुप करो, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी डाउट होना तो हम दोनों से पूछ सकती हो, हमें तुम्हारी मदद करने में खुशी होगी। मैडम ऑफिस से थक कर आई है, उन्हें आराम करने दो। भूल गए क्या? क्या? हमें उस लड़के का अंडरवेयर भी तो ढूंढना है। याद आया, अंडरवेयर। दर्द है, बहुत तेज दर्द, पेट में दर्द, इसके भी एक आइडिया है मुझे। जैसे लड़की चलने लगेगी अंडरवेयर खींच लेना। हमेशा उल्टा सीधा खाता रहता है ये, फिर उसके बाद ये हाल हो जाता है। घर में थोड़ी दवाई होगी तो दे दो ना प्लीज। अच्छा। जैसे बाहर आए अंडरवेयर खींच लेना। ये लो खा लो। दवा हाथ में लेते ही आराम मिल गया। तुमने दी दवा, तुम्हारे लिए दिल से निकली दुआ। वो सब तो ठीक है, अंदर की बात मत बता देना। लो आ गया। ये आदमी ना कहीं से भी टपक पड़ता है, इसका इलाज क्यों नहीं करवाते? बीमारी बहुत सीरियस है मैडम। ठीक कहा इन्होंने, जानवरों के अस्पताल भी लेकर गए थे, वहाँ डॉक्टरों ने चीजा को ही दवाई दी थी। चुप रहो तुम। चुप कर,
बात यह है कि अंडरवेयर और शेविंग रेजर था तो मैनेज हो गया। अगर कल कोई बड़ा सामान, टोटी मुंह बंद कर, अब मैनेज हो जाएगा। अरे स्वाति, मैं कब से तुझे देख रही हूँ, क्या हुआ है तुझे? सिर में बहुत दर्द हो रहा है, रात को ठीक से सो नहीं पाई। अरे तुझे तो बुखार भी है, तुझे घर पर आराम करना चाहिए था। घर पर अकेले रहने से अच्छा है कि मैं ऑफिस में रहकर ही बेहतर महसूस करूंगी, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। तू अभी के अभी घर जा, बॉस को मैं बता दूंगी। पर देखो ना कितना सारा काम है। काम होता रहेगा, पहले तो घर जा और दवाई ले ले। घर जाते जाते दवाई ले लूँ। ठीक है, सी यू रमा। लाइन क्लियर। अरे बाप रे, इतना शोर मचा रखा है, ये कौन सा नाच गाना है, हद हो गई यार। अरे इतना शोर शराबा, नाइट ड्यूटी के बाद ये सभी सहन करना पड़ेगा। लगता है आज तो सोने के लिए नींद की गोली लेनी पड़ेगी, नाच नाच के जमीन में गड्ढा कर देंगे ये लोग। हे भगवान, ये इस वक्त वापस घर क्यों जा रही है? आज तो हम मारे गए। hey, तुम यहाँ बैठे हो और स्वाति? स्वाति ऑफिस गई। तुम चुप करो और ध्यान से सुनो मेरी बात। अगले 10 मिनट में तुम्हारी जिंदगी यू टर्न लेने वाली है, उस तरफ देखो। चिल्ला क्यों रहे हो? वो लड़की तो हमारी स्वाति जैसी दिख रही है। वो उसकी हमशक्ल नहीं है गधे, वो स्वाति ही है। अगर इसने उसे सोते हुए देख लिया तो गई भैंस पानी में। अब क्या करें? पता नहीं वो किस पोज में होगा। अरे उठो, उठो, दरवाजा खोल, खोल। क्या हुआ, जल्दी वापस आ गए? अभी ठीक नहीं लग रही। उठो उठो जल्दी, खोल खोल खोल। अरे जल्दी दरवाजा खोल, खोल खोल। नींद की गोली खाने के बाद भी सोने नहीं दे रहे, हद कर रहे हैं। अबे खोल, परेशान क्यों कर रहे हो? अब हम लोग क्या करेंगे बोलो। 25 रुपए दो मुझे, एक धांसू आइडिया देता हूँ। ले ठूस ले। इसमें बैठ जाओ। लेकिन क्यों? अरे बैठो ना इसमें। तुम मुझे इसमें पैक करके समंदर में फेंकने वाले हो क्या? फेंकने वाले नहीं, बेचने वाले हैं। वो आ रही है, जल्दी से खींचो उसको। खींच तो रहा हूँ। आइए मैडम जी। आप लोग मुझसे बिना पूछे अंदर कैसे आ गए? आप यहाँ कर क्या रहे हैं? और ये क्या है? ये कद्दू है। इसके दोस्त ने गांव से ताजे ताजे कद्दू भेजे हैं। ऐसे तो पड़े पड़े सड़ जाएंगे, हमने सोचा खड़ा करके ताजा रखते हैं। मेरे कमरे में मुझसे बिना पूछे कुछ भी नहीं रखा जाएगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। गेट आउट। माफ करना मैडम। गेट आउट का मतलब नहीं पता है क्या? मैंने कहा ना कि बाहर जाओ, बाहर जाओ। अच्छा ठीक है। ए मोटे, शायद मैडम जी को कद्दू अच्छे नहीं लगते। चल यहाँ से ले चलते हैं, आ जा। अरे अरे उसे नीचे क्यों धकेल रहे हो? मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ, क्या है इस इसमें कद्दू है? हकला क्यों रहे हो? अरे आंटी उसमें कद्दू है। कद्दू है? हाँ। अरे कद्दू की सब्जी तो बहुत अच्छी बनती है, एक बार बना के तो देख। अगर उसमें हींग का तड़का देगी ना, आहा क्या स्वाद आएगा, मैं क्या बताऊँ तुझे। देखो सब्जी तो अच्छी बनती है, लेकिन इसको साफ करना काटना बड़ी झंझट का काम है। आप तो भाभी हैं, आपको तो मिलेगा ही। मुझे थोड़ा सा कॉफी पाउडर मिलेगा, मैं कल दे दूंगी। अंदर चलिए ना। इसीलिए मैं मीटर वाले रिक्शा में नहीं बैठता। हमारे चिट्टी बाबू का बिजनेस सेंस तो कमाल का है। क्यों क्यों? मेरे बारे में ही बात हो रही है ना? अरे हाँ, इधर आओ। धंधे की बात, इस बोरी में 8 कद्दू है। 200 रुपए देकर हमने इसे खरीदा था, तुम 400 में इसे बेच दो, 300 हमारे और 100 तुम्हारा। क्यों? डील। तू इधर आ, चल। कोई चीज की कमी होनी चाहिए। अरे कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, अभी सब अपने अपने घर जाओ, भिजवा दूंगा। अरे जाओ भाई। सही कहा, चलता हूँ अभी। अरे, अरे मुझे खींच क्यों रहे हो? प्यारे पोटी राजू, तुम्हारी बीवी तुम्हें रोज ताने मारती है कि तुम एक पैसा तक नहीं कमा। हमारी लव मैरिज हुई थी तो सहना पड़ता है। अपना मुंह बंद रखो और मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। ये 8 कद्दू 400 के हैं। सब लोगों का मानना है कि ये बहुत ही बढ़िया माल है और बाजार में इनकी मांग भी बहुत है। तुम मुझसे ये खरीद कर बेचो, फायदा कितना? पूरे 400। एक और उंगली।
जब तुम ये प्रॉफिट ले जाकर अपनी बीवी को दोगे तो रात के खाने में तुम्हें खीर मिलेगी। अरे दूर हट, खुश हो जम, बम चिक बम 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 बम। तुम मुझे हमेशा बेकार और बेरोजगार बुलाती हो ना? हैं? हाँ, तो गलत तो क्या इसमें है? सही क्या है? इसे मैं बदल दूंगा। क्या? अभी मुझे 400 रुपए दो, मैं आधे घंटे में 800 कर दूंगा। सब जानती हूँ, ताश खेलोगे ना? ताश के लिए नहीं चाहिए, कद्दू के लिए। हा? सही तरीके से दे दो वरना मैं बिजनेस के लिए चेन बेच दूंगा। चलो मैं भी देखती हूँ कौन सा तीर मार के आते हो। ये लो। थैंक यू, पहली बार बीवी ने मेरी बात मानी। तुम्हारी किस्मत खुल गई। ये लो 400 रुपए। पहली बार बिजनेस कर रहा हूँ, 50 का डिस्काउंट तो दो। बिल्कुल नहीं, बिजनेस को बिजनेस की तरह करो। ओके। कद्दू कद्दू संभालो। ओके। लगी 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 कद्दू बेचूंगा। कद्दू कहाँ गए? अरे कहाँ गायब हो गए? बोरी कहाँ गई? यहीं पे तो थी, कहाँ गई? ये बोरी तो खाली है, इसके अंदर के कद्दू कहाँ गए? सुनो भाई, इसमें कद्दू थे, तुमने देखे क्या? कद्दू? उम्र हो गई है दद्दू। कद्दू बिक गए क्या? क्या? मेरे साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा। इसके अंदर कद्दू थे ही नहीं। नहीं है, ठीक नहीं है। ठीक है। ये तो गुलाब की खुशबू है। गुलाब अगरबत्ती किसने जलाई? मैं तो हमेशा चंदन अगरबत्ती जलाती हूँ। ये क्या? साईं बाबा के पीछे भगवान कल्कि? इसका मतलब मेरे पीछे यहाँ कोई आता जाता है। ए सत्यानंद, तुम क्या कर रहे हो? जब आपको पहली बार देखा था फिसल गया था, इसलिए तुम्हारा हाथ टूट गया। ए सत्यानंद, तुम्हारे पास कमरे की दो चाबियां हैं ना? है तो मेरे जीजा जी के पास दो कान हैं, लेकिन ये वाला कान फ्यूज है। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास एक डुप्लीकेट चाबी है ना? वो तो उसके पास है। अपना मुंह बंद रख। क्यों? क्या पूछ रही थी आप? मैं ये पूछ रही हूँ कि तुमने वो डुप्लीकेट चाबी कहाँ रखी है? वो तो मेरे पास ही है ना। अच्छा, वो तुम्हारे पास है? ये दिखाने को बोलेंगी, क्या दिखाओगे? क्यों बोलेंगी? तो फिर चाबी दिखाओ। वो दरअसल चौकर झूठे, वो अनिल है ना, उसके पास एक चाबी है, इसी ने उसे दी है। सचमुच? अगर इसे अनिल के बारे में पता चल गया तो जल्दी से कोई आइडिया देना। 25 रुपए निकालो, एक घासो आइडिया देता हूँ। छी, ये कोई टाइम है? अब जल्दी से बता दे। तुम फंस चुके हो, उसे सब सच सच बता दो अब। मुझसे एक छोटी सी बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल मेरे गांव से एक लड़का आया है इंटरव्यू देने के लिए, चाबी मैंने उसे दे दी। इंटरव्यू होते ही अपने गांव वापस चला जाएगा। उसका इंटरव्यू खत्म होने में 5 साल लगेंगे, इसीलिए उसने 5 साल के लिए वॉचमैन की नौकरी कर ली है। मैं पुलिस में शिकायत करूंगी। तुमने मेरे कमरे की चाबी उसे कैसे दे दी? वो मेरे कमरे में सो रहा है और तो और अपनी मर्जी की अगरबत्ती भी जला रहा है। वो अगरबत्ती नहीं, सिगरेट भी जलाता है। अपनी बकवास बंद करो। देखो, इस बार तुम्हें माफ कर रही हूँ, पर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दूंगी। मकान मालिक को भी बताऊंगी, फिर तुम यहाँ से निकाले जाओगे। दुखी आदमी, इतना दुखी तो देवदास भी नहीं था। अरे कौन भाई? क्या तुम जानते हो गंजेड़ी चलपति के बेटे कृष्णा और उसकी दूसरी पत्नी ने हमारे साथ क्या किया? वो कोई मामूली आदमी नहीं है, उसने अपने घर वालों की इजाजत के बिना अपनी सौतेली माँ की संपत्ति को हथियाने का प्लान बनाया है। वो भी उस वक्त जब उसकी माँ आखिरी सांसें ले रही थी। वो बोला तुम तो मरी रही हो, उसी वक्त वो गुस्से में उसके सामने खड़ी हो गई और जोर से उसे लात मारी और वो उछलकर वीरभद्र पर गिरा जो ऐसे सोया हुआ था। वो ऐसा सोया कि कभी उठा ही नहीं। वीरभद्र का खेल वही खत्म हो गया। सारी औरतें ऐसी ही होती है, अगर प्यार करती है तो भगवान की तरफ पूछती है और अगर नहीं करती तो बकरे की तरह तुम्हारी बोटी बोटी करके मिर्च मसाला लगा के तंदूर पे। मुझे तो लगता है ये मुझसे भी बड़ा पागल है। अरे होम्योपैथी की दवा लिया करो। तुम भागो यहाँ से और तुम काम की बात करो। ये बताओ मेरा आइडिया काम आया कि नहीं? वो मर गया ना? जब रात को वो खाना खा रहा था तो मैंने ऊपर से लोहे का एक डिब्बा गिरा दिया, लेकिन सही वक्त पर वो वहाँ से हट गया और सर पे लगने के बजाय उसके हाथ पे लग गया और प्लान ड्रॉप कर गया। मेरे साथ भी तो ऐसे ही कुछ हुआ था। दुनिया में एक जैसे हाथ से हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही कहा। उसकी ऊपर की टिकट कटवाने का बढ़िया प्लान बताओ। पूरे 100 रुपए लगेंगे। ये लो 500 दिए। इस बार कोई डब्बा या भारी चीज गिराने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट आइडिया देता हूँ तुम्हें। तुमने कहा कि वो रात को खाना खाता है? मेरे हिसाब से वो नॉनवेज के बगैर कुछ खाता ही नहीं। मेरी भी तो यही आदत है। आदतें एक जैसी हो सकती हैं। हाँ सही है, सही है। हाँ ये भी सही है। ये सब छोड़ो,
इन्हें जल्दी से एक बढ़िया सा आइडिया दे दो। एक आइडिया सुनो। हाँ। उसकी बीवी की मदद से उसके रात के खाने में ना जहर मिला देना। उसकी महक से पता लग गया तो उसके ऊपर खुजली का पाउडर छिड़क देना। चल निकल। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। ऐसे कैसे हो गई? ये आखिरी वार्निंग है, फिर से तुमने गलती की तो तुम्हारा सारा सामान उठाकर यहाँ से बाहर फेंक देंगे। हाँ। मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा कि मुझसे ऐसी गलती फिर कभी ना हो। ठीक है, चलो चलो चलो। हम दोनों के अलावा अभी इस कमरे में और कोई नहीं है। मुझे कुछ कहना है, मैं खुल के बात करूंगा। सुनिए, दीपक जलाना और अगरबत्ती लगाना कोई पाप है क्या, जिसके लिए मुझे वो दोनों वार्निंग देकर चले गए? क्या आपने मेरी मदद की? कभी नहीं। मुझे मदद की जरूरत पड़ती है, तुम कभी नहीं आते। ये कैसा स्क्रीन प्ले है, कैसा कैरेक्टर लिखा है मेरा, घटिया। पूजा पाठ तो बहुत दूर की बात है, अब से मैं अगरबत्ती भी नहीं जलाऊंगा। सॉरी। सत्यानंद को इसके बारे में पता चला तो? सर 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 सर, मेरा गिटार सर, नहीं मेरी चिट्ठी, मेरी मेरी लगा ना, इसको भी फेंक दे सब। अब तू भी अंदर से फेंक देते। ये मैं हूँ। भयानक सपना देखा, क्या करूँ? हाँ, नमस्ते। आप मुझे नहीं जानती, मैं भी आपको नहीं जानता। मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ जिसे नौकरी नहीं मिल रही। मैं पास की कंपनी में नाइट वॉचमैन की नौकरी कर रहा हूँ। आपको सुनकर अचंभा होगा, लेकिन शायद आप मेरी मजबूरी समझ सकती हैं। पिछले एक महीने से मैं आपके कमरे में रह रहा हूँ, वो भी आपकी जानकारी के बिना। सत्यानंद ने मेरे लिए ये जुगाड़ किया है। सत्यानंद? इडियट, देख लूंगी उसे। आप उससे कुछ मत कहना, वरना वो मुझे बाहर निकल कर फेंक देंगे। आप दिन में बाहर रहती हैं, मैं रात को बाहर रहता हूँ। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। ये लेटर लिखने की वजह यह है कि गलती से मुझसे आपकी खूबसूरत कृष्ण की मूर्ति टूट गई है। मैं तब से अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सच्चे दिल वाला इंसान हूँ, ये मेरी कमजोरी है, इसीलिए लेटर लिख रहा हूँ ताकि मेरा मन शांत हो जाए। मैं किस मन से यहाँ रहूं? अगर आप मुझे माफ कर देंगी तो मैं रह लूंगा। मैं हर दिन आपके घर की सजावट को निहारता हूँ। मैं वाकई में आपकी कला का कायल हूँ। आप कमाल की कलाकारा हैं, मैं सच कह रहा हूँ। चाहें तो आप मुझे माफ कर सकती हैं, या आप मुझ पर गुस्सा भी कर सकती हैं, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। आपका आज्ञाकारी सहभाड़ोत्री, अगर आप मानती हो तो, जो आपको कभी शर्मिंदा नहीं करेगा, एक बार फिर आपका आज्ञाकारी भाड़ोत्री। चढ़ के थक चुका हूं। पता नहीं चिट्ठी में क्या लिखा होगा, देखना तो पड़ेगा ही। बोलो। चौंके, तुम यहाँ एक महीने से रह रहे हो और मुझे पता ही नहीं चला? मैं तुम्हारी ईमानदारी की दाद देती हूँ। मैं इसी वक्त मकान मालिक से तुम्हारी शिकायत करके तुम्हें बाहर फिकवा सकती हूँ, लेकिन फिर वही बात हो जाएगी कि मैं सच्चाई और ईमानदारी को सजा दे रही हूँ। क्या तुम एक छोटा सा एहसान कर सकते हो? मैं कुछ पैसे रख कर गई हूँ, अगर तुम बाहर जाओ तो थोड़ा दूध खरीद कर ले आना, गरम करना और उसमें दही मिला देना, नहीं तो रात को दही खत्म हो जाएगा। वैसे मैंने उपमा बनाया और काजू भी डाले, बहुत टेस्टी है, जरूर खाना। बाय। बहुत ही टेस्टी, मजा आ गया। एक कॉफी लाना। ओके सर। सॉरी मैडम, सर ये कॉफी। क्या चाहिए? मैडम ने पास लाने को कहा है। तो क्या मेरे पे चढ़ेगा? ये ले। भगवान भला करे। मेरा पर्स नहीं मिल रहा, यहीं पर तो रखा था। जो आदमी आपके सामने बैठकर कॉफी पी रहा था ना, उसने वो पर्स अपने दूसरे साथी को दे दिया था। ये भी चोरी का एक नया तरीका है, कोऑपरेटिव चोरी। अब तो बाहर मिलकर दोनों बांट रहे होंगे, उसका चेहरा तो आपको याद है ना?
रुको। उपमा और लेटर के लिए थैंक्स। वैसे मैं आपसे मिल तो नहीं पाया, लेकिन आपके हाथ का स्वाद और लिखावट दोनों ही कमाल हैं। पता नहीं तब क्या होगा जब हम मिलेंगे। आप कम से कम अपना नाम तो बता सकती हैं, या मैं सिर्फ एस कहकर ही काम चलाऊं? अब बता भी दो प्लीज। हाय, आज बहुत वक्त के बाद मुझे अच्छी नींद आई है। तुमने जैसा कि बताया कि हमारा मिलना बहुत ही कमाल का होगा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हारे पास कोई जुगाड़ है क्या? अगर नहीं है तो हम कमरे में भी मिल सकते हैं। तुमने मेरा नाम पूछा था ना, मेरा नाम बहुत पॉपुलर है, लाखों लोगों की जुबान पर घूमता है, बूझो तो जाने। अगर अभी भी तुम्हें अपनी हार नहीं माननी है तो ना सही, जल्दी से वीकली मैगजीन स्वाति का पेज पलटो, तुम सब समझ जाओगे। ओहो, ये बात है, तुम्हारा नाम स्वाति है। कहाँ से आ रहा है? समझ गया, सपनों की दुनिया में खोया है। क्या हुआ दोस्त, जो नहीं होना था प्यार का बुखार वो हो गया ना? क्या लव मेरे भाई। तुमने पता लगा ही लिया? ऐसे नहीं, अमेरिका के लिए सिलेक्ट हुआ। मैं आगे की पीछे की सबकी खबर रखता हूँ, लेकिन लड़कियों की खबर नहीं रखता। मेरे भाई बता तो कौन है, कैसी है? रूममेट के बारे में बताया था ना? हाँ। हम मिले तो नहीं, लेकिन इन चिट्ठियों के जरिए हम दोनों करीब आ गए। वेरी बैड, अगर ये अमेरिका होता तो अब तक तुम दोनों के बच्चे हो गए होते। अबे सुन, ये इंडिया है, इंडियन की तरह सोच। इंडिया में ऐसे प्यार को टाइम बर्बाद कहते हैं, बिना मिले ही प्यार हो गया। पर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा अमेरिका जाने से पहले अगर तुम लोगों ने शादी कर ली तो मैं आशीर्वाद देकर जाऊंगा। जरा स्पीड बढ़ाओ भाई। ट्राई करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, सीआई की बीवी चूहे वाला जहर खा के मर गई। वो हर चीज चक्कर खरीदती थी ना। हाँ। चूहों का जहर भी उसने चाट कर खरीदा था ना। हाँ। इसलिए मर गई। अरे इंस्पेक्टर अंकल, लगता है जैसे ये लड़की मुझे ही बुला रही है। हाँ बेटा, तुमने मुझे बुलाया? हाँ अंकल आपको। अरे सुन, तू मुर्गियों का मसला देख। अच्छा बेटा, तुम बताओ क्या बात है? आपको वो आदमी दिख रहा है, ग्रे शर्ट वाला? कुछ दिन पहले उसी ने मेरा पर्स चुराया था। अगर आप मेरा पर्स उससे वापस दिलवा दें तो। लेकिन पक्का ये वही है? एक बार दोबारा सोच लो। मुझे उसका चेहरा अच्छी तरह याद है और पूरा यकीन है यही वो आदमी है। अरे वो सब तो ठीक है, पर हम ये साबित कैसे करेंगे? अच्छा एक काम करो, तुम यही रहना, मैं जाकर उससे बात करता हूँ और उससे उसका गुनाह कबूल करवाता हूँ। ठीक है ठीक है, अभी बताता हूँ उसे। हाउ आर यू? हु आर यू? अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? क्यों, ये कौन सा तरीका है नाम पूछने का? इज्जत से नाम पूछो। वैसे नाम क्यों जानना चाहते हो? अच्छा ये बताओ, तुमने कभी वेंकटराव का नाम सुना है क्या? अब ये कौन है? ये मेरा ही नाम है। मेरे नाम पर हंसने की कोशिश मत करना, मैं डेंजरस किस्म का आदमी हूँ। तो मुझे क्या करना है? क्या करना है? तुमने उस लड़की का पर्स चुराया है। चुराया ना? क्या कहा, चोर? वो भी मैं? अच्छा मजाक करते हो। तो तुमने आज तक कोई चोरी नहीं की? चोरी मतलब कुछ दिन पहले मैंने लड़की का दिल चुराया है। सुनो, तुम्हारी लव स्टोरी मुझे नहीं सुननी। 20 नवंबर को अनुराग रेस्टोरेंट में तुमने मेरा पर्स चुराया था। वैसे आपकी तारीफ। इसी का पर्स चोरी हुआ था, ये वही है ना जिसने तुम्हारा पर्स चुराया था? हाँ, बिल्कुल यही वो आदमी। मैडम मैं आपको जानता तक नहीं हूँ, मेरे साथ थोड़ी इज्जत से बात कीजिए। चोरों को इज्जत नहीं दी जाती। तुम्हारा मतलब मैं चोर हूँ? हाँ, तुम चोर हो। बहस क्यों कर रहे हो, जरा उस दिन की बात को थोड़ा ध्यान से सोचो, सब याद आ जाएगा। क्या चाहिए? मैडम ने पर्स लाने को कहा है। तो क्या मेरे ऊपर गिरेगा? ये ले। भगवान भला करे। मुझे पता है तुम ही वो चोर हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो तुमने चोरी की है और सीना जोरी कर रहे हो। तुम जैसे लोगों को तो पब्लिक में खड़ा करके जूते मारने चाहिए। जब तक तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा तब तक तुम्हारे तो होश ठिकाने आएंगे ही नहीं। दिखने में तो तुम पढ़े लिखे लगते हो, चोरी करते हुए शर्म नहीं आई? तुम मेहनत की नहीं खा सकते हो क्या? तुम्हें बोलकर क्या फायदा, सारी गलती तुम्हारे माँ बाप की है। उन्होंने तुम्हें पैदा करके सड़क पर दूसरों को लूटने के लिए छोड़ दिया। मैंने तुम्हें इतना कुछ सुनाया फिर भी तुम्हारा मुंह बंद है, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि तुम गुनहगार हो। है कोई जवाब तुम्हारे पास? अगर ये बेगुनाह होता तो क्या अब तक चुपचाप रहता? तुम्हारा मुंह क्यों सिल गया? देखिए सर, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ,
अगर आप में जरा भी लाज शर्म बाकी है तो मुझे मेरा पर्स वापस कर दीजिए। मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। बेटा थैंक यू अंकल। अपना ध्यान रखना। बांद्रा वाले दोस्त की दूसरी बीवी ने उसे डाट में चिप्स भेजे थे, वो इतने टेस्टी थे कि मैं सारे के सारे खा गया। अरे सुनो तो, जब मैं चिंचोली बंदर वाले दोस्त को बधाई देने जा रहा था तो सारे चिप्स मेरे पेट में ऐसे खड़े हो गए जैसे आतंकवादी हो। अरे गैस ऐसी छूटने लगी कि मुझे पोटी जाना पड़ा। अरे वो पापा राव जो सबसे बेहूदा कवि है रास्ते में मुझसे टकरा गया और मुझे भूतिया कहानी सुनाने लगा। उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ईस्ट वेस्ट या गोस्ट। फिर मुझे एक मंदिर नजर आया, वहाँ सारे टूरिस्ट मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई भूत हूँ। और जब मैं उनकी तरफ अपनी भूतिया आंखों से देखने लगा तो वो सब मुझे पकड़ने दौड़ पड़े। तो क्या वो मेरा आखिरी दिन था? अरे बताओ तो कहाँ चल रहे हो? अरे फिर मुझे धूल से छींक आ गई और मेरी जान हलक में अटक गई। फिर मुझे हिचकी आने लगी। अब सुनो, कहानी का अहम हिस्सा है, ध्यान से सुनो, तुम्हें ये हिस्सा तो सुनना ही पड़ेगा। काम की बात पर आओ, काम हुआ कि नहीं? चाल भारी पड़ गई। वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने फिश करी में कीटनाशक मिलाया था, जैसे ही वो उसे खाने गया उसका एक रिश्तेदार आ गया और वो सारा का सारा खा गया। उसके बाद आगे क्या होना था? रिश्तेदार मर गया और वो अभी भी जिंदा। एक मिनट, मेरे घर में भी ऐसा ही हुआ था। घटनाएं कभी एक जैसी हो सकती है? नहीं, नहीं नहीं नहीं, कुछ अलग अलग नहीं है। मेरा तो दिल करता है किसी दूसरी से शादी कर लूं और उसे छोड़ दूं। तो उसे मेरे घर छोड़ दो। ये क्या कह रहे हो? एक इंसान को अपना टारगेट नहीं भूलना चाहिए, तभी तो वो आदमी कहलाता है। तुम्हें तब तक नींद नहीं आनी चाहिए जब तक तुम उसके पति को मारकर उस लड़की से शादी न कर लो। ये कह रहा है कि तुम्हें ना सोने वाली गोली चाहिए। तू तेरी चोंच बंद रख। तुम मुझे कोई धासु आइडिया दे सकते हो? 500 रुपए लगेंगे। अरे 1000 ले लो, पर आइडिया दो यार। मेरे पास एक लकी तलवार है, वो तुम रख लो। देखो ये रही वो तलवार, इससे तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, तुम मानो या ना मानो। मैं मानूंगा। जब रात को वो सो जाए ना तो तुम काले कपड़े पहन कर आना और उसके पेट में ये चुपचाप घुसा देना। ये तो अच्छी चाल है, अगर तलवार पुलिस के कब्जे में आ गई तो। शुभ शुभ बोल मनहूस भाई, तुम मुझे तलवार दे दो और आशीर्वाद दे दो। और सुनो, मैं जो कहना चाहता हूँ वो ध्यान से सुनो। सुन रहा हूँ। उसे मारने के बाद ये खून से सनी तलवार जरूर दिखाना। तुम शायद ना देख पाओ, मतलब खून देखकर तुम्हें चक्कर ना आ जाए। नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलता हूँ। ये अनिल, आज तारीख क्या है पता है? उससे क्यों पूछ रहे हो, खुद कैलेंडर देख लो। तेरा मुंह तोड़ दूंगा। क्यों भाई, इस महीने का किराया कौन देगा? इतना सन्नाटा क्यों है? इस बार पैसे खत्म हो गए हैं। खत्म हो गए? ये कहो मिले ही नहीं। मुंह बंद रख। क्यों रे, पहले महीने में ही नौटंकी चालू कर दी। तू जानता भी है मैंने तेरे लिए कितना बड़ा रिस्क लिया है। रिस्क नहीं, बहुत बड़ा रिस्क। अब और बर्दाश्त नहीं होता, माफ कर, कमरा खाली कर और आगे बढ़। देखिए सत्यानंद, मैं जल्द ही आपका हिसाब किताब बराबर कर दूंगा, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए प्लीज। डियर स्वाति, आज मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, पता है क्यों? 30 दिन तक कड़ी मेहनत के बाद एक दोस्त ने मुझसे मेरे सारे पैसे ले लिए। सोते जागते जहाँ देखो बस पैसों का कारोबार है। मकान मालिक, दुकानदार, जो देखो मुझे पैसे के लिए तंग कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा, इतने बड़े शहर में किससे पैसे मांगूं? हर किसी को अपनी परेशानियों की पड़ी है। अब तो ऐसा लगता है कि आदमी की मौत बिना पानी, बिना खाने के, बिना हवा के नहीं होती, बल्कि हिम्मत की कमी के कारण होती है। क्या तुम मुझे थोड़ी हिम्मत उधार दे सकती हो? जब तुम्हें जरूरत होगी मैं वापस कर दूंगा, प्रॉमिस। अनिल, मैं अपने दोस्त से मांगकर तुम्हारे लिए कुछ पैसे छोड़ रही हूँ, रख लेना स्वाति। दो गालियाँ क्या पड़ी, पैसे लेकर आ गया चोर कहीं का? बिल्कुल, तुम्हारे पास तो पैसे का भंडार है, उठा लो उठा लो। तुम्हें पैसे कहाँ से मिले जरा हमें भी तो बताओ। चमत्कार हो गया। कैसे? ये बताने की चीज नहीं है, दुनिया में इससे बढ़कर क्या चीज हो सकती है कि तुम्हें समझने वाला दोस्त मिल जाए। दोस्त मतलब? दोस्त मतलब वो लड़की। लड़की दोस्त मतलब? दोस्त मतलब तनुजा, मेरी बेस्ट फ्रेंड। करोड़पति लगती है, रहती कहाँ है? पूछ रहे हो कहाँ रहती है? हाँ याद आया, कहाँ पर? यहाँ से बहुत दूर रहती है। तुम कह रहे हो बहुत दूर रहती है, हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो? हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें। उल्लू ये नहीं, तुम दोनों हो, जरूर ऐसा कुछ है जो हमसे छिपा रहा है। अरे बेटा बेटा बेटा, मैं तुम्हारे पास ही आया हूँ। क्या हुआ अंकल? हमें हमेशा अच्छे लोग और उनकी अच्छाई की रक्षा करनी चाहिए, और अगर हम फेल हुए तो दुनिया से अच्छाई पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मुझसे ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? उस दिन हमने उस अच्छे आदमी को चोर कहकर उसकी बड़ी बेइज्जती कर दी। वो आदमी वाकई में चोर था? नहीं बेटा, हमने असली चोर पकड़ लिया। ये लो अपना पर्स।
मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं क्या करूं? मेरी मदद कीजिए। तुम्हारे पास उसका पर्स है ना बेटा? हाँ अंकल, शायद उसमें उसकी सैलरी थी। उसने मुझे पूरी सैलरी दे दी। पता नहीं वो अपने दिन कैसे गुजार रहा होगा। कहीं मिले तो उसे लौटा देना बेटा और माफी मांग लेना। जी अंकल, ठीक है। सर सिलेंडर, गला क्यों फाड़ रहे हो? आराम से नहीं बुला सकते? ये पुट्टा राजू के यहाँ पे हमेशा भीड़ लगी रहती है। इन लोगों के शोर के कारण आपको सुनाई नहीं देगा। अच्छा, इनके घर पे कितने लोगों का आना जाना है? आखिर ये पुट्टा राजू करते क्या है? उधार लेता है क्या? सच? ये सिलेंडर लाने किसने कहा तुम्हें? आज सुबह मैडम ने ऑर्डर दिया था। उन्होंने कहा पैसे टेबल पे रखे, साहब से ले लेना। शादी होने से पहले मैडम सरोजनी भाभी की यहाँ पे सिलेंडर रखने को कह देती थी। आपने शादी कब की सर? मेरी शादी की बात कर रहा है। अरे वाह, आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं सर? मैडम मुझे इतनी अच्छी लगती है कि अगर गैस का सप्लाई कम भी हो तो भी मैं किसी ना किसी का सिलेंडर यहाँ पे दे जाता था। वो मेरी बहुत इज्जत करती है, इसीलिए मैं सारा काम छोड़ के पहले यहाँ पर आके सिलेंडर रख देता हूँ। आपकी लाइफ तो एकदम सेट है सर। कुछ भी कहो, आप दोनों को एक साथ खड़ा करो तो आप दोनों की हाइट और वेट वाह 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 वाह, एकदम मजा आ गया, एकदम परफेक्ट कपल हो। अच्छा भाई चलता हूँ, अगर भाभी ने चाहा तो फिर मिलेंगे, याद रखना। आज गैस सिलेंडर वाला पूछ रहा था हम दोनों की शादी को कितना वक्त हो गया है। तारीफ कर रहा था कि हम दोनों की जोड़ी कितनी परफेक्ट है। वो कितना भाग्यशाली है कि तुम्हें मुझसे पहले देख चुका है। मुझे जलन हो रही है। लोग एक दूसरे को देखकर प्यार करते हैं, लेकिन हमारे कोमल दिलों ने एक दूसरे को देखे बिना प्यार किया। सुनो, अब मैं चोर नहीं हूँ। तुम्हारी शक्ल जानी पहचानी है। एक बार मैं तुम्हारे यहाँ चोरी करने आया था, तुमने मुझे थप्पड़ मार के समझाया और मैं उसी वक्त समझ गया। याद आया। तो तुम क्या अब भी? अब मैं सुधर गया हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक बन गया हूँ, इसीलिए बेरोजगार हूँ। तो फिर यहाँ क्या करने आए हो? शुक्रिया कहने आया हूँ। पहले आया था तो यहाँ जीजा जी अकेले थे। जीजा जी? हाँ, बहुत ही हैंडसम, स्वभाव के बहुत अच्छे, हॉलीवुड के हीरो जैसे। बस और क्या बताऊँ, आप दोनों की जोड़ी एकदम जचती है, किसी की नजर न लगे। किसी चीज की जरूरत हो तो अपने इस रस्सी वाले भाई को याद करना। भैया सीढ़ियों से नीचे जाना, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बहन ने कहा है तो जी जान लगा दूंगा। हेलो, फिर आ गई। हेलो सुनो तो। अरे कितनी बार कहूँ, मैंने आपका पर्स नहीं लिया, मैंने अपने सारे पैसे आपको दिए ना, इस वक्त देने के लिए कुछ नहीं है, खुद कर्ज में डूबा हुआ हूँ। असली चोर को पकड़ लिया गया है, मैंने आपकी बेइज्जती की, उसके लिए सॉरी। मेरा ही वक्त खराब चल रहा है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है धनलक्ष्मी। रुको, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। मैंने तुम्हें चोर कहा, उसके लिए मुझे माफ कर दो। मंदिर में खड़ा हूँ, झूठ बोलूंगा तो पाप लगेगा। कॉमेडी अच्छी कर लेते हो। नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्यों पूछ रही हो, फिर एड्रेस पूछोगी? मेरे घर तक आने का इरादा क्या? तुमने तो मुझे धनलक्ष्मी कहा, अगर घर आ गई तो तुम ही फायदे में रहोगे। मैं यहाँ पास में रहती हूँ, थोड़ी देर रुकोगे तो मैं तुम्हारा पर्स ले आती हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, पहले मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। ठीक है। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी तुम्हें चोर समझकर, और जब मुझे सच्चाई पता चली तो सच कह रही हूँ, बहुत दुख भी हुआ। अब छोड़ो भी, ऐसी छोटी मोटी गलत फहमियाँ होती रहती हैं। ये बताओ और कितना चलना पड़ेगा, कहाँ है घर? बस पहुँचने ही वाले हैं। वैसे तुम कहाँ रहते हो? यही पास में है। अच्छा, किस तरफ है? ये बहुत ही लंबी कहानी है, अगर लिखना चाहूँ तो पूरा नॉवेल बन सकता है, फिल्म बनाओगी उस पर? कहानी अच्छी है तो। लड़कियों के जोक पर मुझे बहुत हंसी आती है, बताओ ना मैं ऐसा क्यों हूँ? इस बीमारी के लिए तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है ये एक बीमारी है? क्यों, तुम्हें नहीं लगता है? वैसे तुम इस एरिया के बारे में कुछ जानते हो? क्या बात कर रही हो, जिस एरिया में रहता हूँ उसका कोना कोना पता है। क्यों नहीं होगा, आखिर तुम रहते इस एरिया में ही हो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे घर का नंबर क्या है, प्लीज बताओ ना, मुझे यहाँ का सब पता है। तुम वहाँ क्यों देख रही हो? ये तो मेरे ऑफिस की कार लग रही है, पर ये मेरी तरफ क्यों आ रही है? क्यों नहीं आ सकती, रोड है, आ भी सकती है जा भी सकती है। देखो रुक भी गई। ठीक है, लेकिन यहाँ क्यों रुक रही है? ये कार से कौन उतर रहा है? ड्राइवर। मैडम सर ने आपको अर्जेंट बुलाया है। ठीक है चलती हूँ, सॉरी
हम कार में भी चल सकते हैं और तुम्हारा पर्स लौटा सकती हूँ, लेकिन मेरी कॉलोनी में कुछ फालतू लोग रहते हैं, अगर उन्होंने हम दोनों को साथ में देख लिया तो बहुत बातें बनाएंगे। ऐसे कुछ लोग तो मेरी कॉलोनी में भी है, तुम फिक्र मत करो, पर्स आज नहीं तो कल ले लूंगा। लेकिन मेरा एड्रेस? मेरा पर्स तुम्हारे पास है ना, तुम्हें ढूंढना भी तो मेरी जिम्मेदारी है, जाओ तुम। ठीक है, चलती हूँ, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, तुम्हारी वजह से दर्शन अच्छे से हुए। अगली बार मंदिर कब आओगी? अगले शुक्रवार। ठीक है, ओके बाय। आज पैसे मिले हैं सरदार जी के छोले भटूरे खाऊंगा। स्वाति के कमरे में जो अनिल रहता है उसने पैसे दे दिए ना? क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों क्यों? शुभ शुभ बोला कर, ये पैसे चोरी के हैं, अंदर रखना होगा। मैंने अंडरवियर नहीं पहना है। हाँ? चिल्ला क्यों रहे हो, पैसे यहाँ रखो। छी, बार बार खा के मार जी नहीं भरता मेरा। अरे बाबूजी, कहाँ से आ रहे हो? अरे मैं अभी सुनार के पास से आ रहा हूँ, बीवी की अंगूठी का मैल साफ करा के। चल चल, बेकार से अंगूठी को साफ कराने का क्या फायदा? बेकार अंगूठी, रोल गोल की नहीं है, असली है, चिकिक चिकिक ओरिजिनल है, ध्यान से देखो। ये तो रोड पे बिकती है, असली दिखाओ। ये क्या है, जेब में क्यों डाल ली? मेरा कितना पैसा है तुम्हारे पास? 1000 रुपए। हजार दो और अंगूठी ले जाओ। क्यों परेशान करती रहती हो? अंदर 50 का नोट था, कहाँ गया वो? 50 का नोट था क्या? हाँ। जब मैं तुम्हारी अंगूठी साफ करा कर लाया था तब तो यहीं पे रखा था, तुम्हें डिस्टर्ब ना हो इसीलिए मैंने उस अंगूठी को नोट के ऊपर रख दिया था। हे भगवान, मुझे लगा 50 रुपए गए, यहाँ तो अंगूठी भी चली गई। मुझे अपनी अंगूठी वापस चाहिए, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, हो गई ना चोरी। मेरे होते हुए ऐसे कैसे हो सकता है, सारे वर्कर को बुलाओ, काम छोड़ो और यहाँ आओ, अंगूठी को तो अभी भूल जाओ, 50 का नोट कैश जोक है क्या? यहाँ से हिलना भी मत। बताओ अंदर 50 रुपए और अंगूठी रखी थी, किसने चुराई? शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, ऐसे मामलों को दिमाग से सुलझाना चाहिए। अरे नादानो, जरा ध्यान से देखो इस औरत को, ये बेचारी दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा कितने मुश्किल से बचाती है। जब इसने कहा कि हमें बच्चों की क्या जरूरत, हमारे वर्कर ही हमारे बच्चों जैसे हैं, तो मैंने नसबंदी करवा ली। सही कहा, तुम सबको अपने बच्चों जैसे रखती नहीं, थी। नहीं, आजकल तो अपने बच्चे भी पराए हो जाते हैं, फिर पराए बच्चे अपने कैसे हो सकते हैं सरोजनी? आखिरकार हमें बस एक दूसरे का ही सहारा बनना पड़ेगा, यही सच है। क्या कहा आपने, यही तो सुनना था। मैं पापी हूँ, चप्पल से मारा, लातों से मारा, क्षमा कर दीजिए स्वामी। सरोजनी, स्वामी, सरोजनी। जैसे आप वहाँ से गए मैंने चिट्टी बाबू से बात की और आपके हालात बताए। आप लोगों का प्यार और सेंटीमेंटल सीन देखकर मेरे आंसू रुक नहीं रहे हैं। उधार चुकाने के लिए जो अंगूठी दी थी वो मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। मैंने नहीं तुम्हारा लेटर पढ़ा, तुमने लिखा था कि गैस वाले ने जब मुझे तुम्हारी पत्नी समझा तो तुम्हें कितना मजा आया। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ। वही चोर जिसने मुझसे बात की थी उसने भी तुम्हारी खूब जमकर तारीफ की और उसे भी लगा कि तुम मेरे पति हो। हालांकि हम अभी तक एक दूसरे से मिले तक नहीं है। ये कितने कमाल की बात है ना कि हम एक दूसरे को एक दूसरे की भावनाओं के जरिए जानते हैं। वैसे घर में चावल खत्म हो गए, मेरे दोस्त का जो पर्स है वो बुक शेल्फ में रखा है, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो चावल खरीद कर ले आओगे? तुम्हारी स्वाति। इसका मतलब ये हुआ कि स्वाति और धनलक्ष्मी दोनों एक ही लड़की है। डबल लॉटरी! अब शुक्र। क्या कहा था मैंने, मुंह खोला तो मुंह के साथ बाहर फेंक दूंगा। नहीं नहीं बताऊंगा, मैं स्वाति को कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे ही सारे अजीबोगरीब लोग मिलते रहते हैं। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्या है मुझे खुद से बात करने की आदत है। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पास अगर वक्त हो तो चलकर कॉफी पिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, घर पर तुम्हारा पर्स है, मैं उससे कॉफी के पैसे ले लूंगी। दो कॉफी। शुगर है क्या तुम्हें? नहीं तो क्यों? तो स्वीट भी हो जाए, दो रसगुल्ले। आज तुम बड़े खुश दिख रहे हो,
क्या बात है? बात ही कुछ ऐसी है, पर इस वक्त मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बता सकता। सही टाइम आने पे सबसे पहले मैं तुम्हें ही बताऊंगा। वैसे तुम्हारे रूममेट का क्या हाल है? नसीब अच्छे हैं जो तुम्हारा पार्टनर है। आज तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। थैंक्स। उस बंदे से मतलब रूममेट से हमें भी मिलवाओ कभी। क्या तुम इसके अलावा किसी और बारे में बात नहीं कर सकते हो? गुस्सा हो गई, सॉरी। हाँ, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? नहीं, पर अगर कभी प्यार करता तो देखकर करता, तुम्हारी तरह बिना देखे नहीं करता। अरे स्वाति रुको, क्या हुआ? अरे रुक जाओ, सॉरी, तुम तो बुरा मान गई। तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं है, तुम मेरे और अनिल के प्यार को नहीं समझ सकते। हमारा प्यार रूहानी है, ये शक्ल सूरत और जिस्मानी रिश्ते से कहीं ऊपर है। दोस्त तुम फिक्र तो होगी, कहीं उसने तुम्हें धोखा दे दिया तो? अगर दिल खुद इंसान को धोखा देने लगे तो धरती से प्यार का नामो निशान मिट जाएगा। इतना महान बनना भी अच्छा नहीं होता। मुझे अनिल से जलन हो रही है, उसे तुम्हारा प्यार जो मिला, काश कि मैं अनिल होता। तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो और वो सब कुछ मेरी जिंदगी है। भगवान करे कि तुम दोनों की शादी जल्दी हो जाए। वैसे बिना देखे अनिल से प्यार कैसे हो गया? साबुन वाबुन नहीं, सस्ता सा पाउडर इस्तेमाल करो। ठीक है भाई साहब। क्या बात है? जब मैं ऑफिस से लौटकर घर पर आया तो मैंने दरवाजे पर किसी लड़के के जूते देखे। दरवाजे से कान लगाकर सुना तो वो किसी से हंस हंस की बातें कर रही थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और शराब पीना शुरू कर दिया। अरे बाप रे, इस झमेले से छुटकारे का कोई आइडिया है? 50 रुपए लगेंगे, एक पावरफुल आइडिया देता हूँ। इसे 50 रुपए क्यों दे रहे हो? मुझे 10 रुपया दो, खतरनाक आइडिया दूंगा। ये लो और बताओ। थैंक यू। तुम ऑफिस से कितने बजे घर आते हो? शाम को ठीक 5 बजे। तो 8 बजे आया करो, तब तक वो अपना काम खत्म करके जा चुका होगा। अरे ग्राहक आ गया। अबे अकेले की नहीं? क्यों, कहा था ना एड्रेस किसी को नहीं देना। क्या हुआ? दूसरा क्या हुआ? डाकिया आया था, तुम्हारा लेटर देके गया है। मेरा लेटर? किस्मत अच्छी थी कि मैंने देख लिया। अगर लड़की के पर जाता हाथ तो दोनों की खड़ी हो जाती खाट। मेरी माँ सीरियस है, मुझे इसी वक्त गांव जाना होगा। रुक, मेरी बात खत्म नहीं हुई और तू जा रहा है? इस गलती का फाइन लगेगा 100 रुपए। 100 रुपए? हाँ। ओके, 50 अभी दे रहा हूँ, बाकी के 50 आने के बाद। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने गाँव जा रहा हूँ, 10 दिन में वापस आ जाऊंगा। तुम्हारे दोस्त के बटवे से 500 रुपए ले रहा हूँ, वापस आके दे दूंगा। मेरे पास पैसे नहीं है। ये 10 दिन 100 साल की तरह बीतेंगे, पर क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ही। तुम्हारा अनिल। लड़की का घर यही है, दुल्हन कहाँ है? एजी, लड़के की उम्र कुछ ज्यादा नहीं लग रही? ये तो मेरी उम्र का लगता है। मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़के का मामा हूँ। हाँ? हाँ, वैसे आप कौन है? मैं लड़की की माँ हूँ। माँ नहीं चाहिए, लड़की को लाओ। जाओ जाकर बेटी को ले आओ। बुलाती हूँ। हाँ, आप आइए। चला जा, अगर जल्दी लाओ चल रहा है तो डिस्काउंट देना शुरू कर दे। हैं? ओए रो ना, ले ये गिलास पहन ले। हाँ, डिंग डिंग। वाह वाह, एकदम अमावस्या का चांद लग रहा है। जी, मुझे भूख लगी है। अभी तो भैंस की तरह चल रही थी। साड़ी में एकदम लक्ष्मी माँ लग रही है। क्या नाम है? माता। ये कैसा नाम है? ये छोटी थी तो इसे माता आई थी, तो मैंने प्यार से इसका नाम माता रखा। भले ही देवी माँ हो पर मुझे अच्छा नहीं लगा। अंधा हो जाएगा बेटा, माफी मांग ले। वैसे कहाँ तक पढ़ी है? 2 किलोमीटर तक पढ़ी है। स्कूल जो है घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर था। लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सही कहना। ज्यादा पढ़ेगी ज्यादा काम करेगी, ज्यादा काम करेगी तो ज्यादा कमाएगी, ज्यादा कमाने वाली लड़की इसके साथ शादी क्यों करेगी? गाना आता है? हाँ, गाती है, ट्विंकल ट्विंकल और जॉनी जॉनी आता है। कोई अच्छी सी कव्वाली आती है क्या? कव्वाली गाने की क्या जरूरत है? बाजार से कैसेट खरीद के लाओ, उसे टेप पे डालो और बटन दबाओ। मेरा ही गला दबा दो। उसकी अब चिंता मत करो, एक बार शादी हो जाने दो। बेटी एक बार इनको बजा के तो दिखा। क्या गाती है, क्या गाती है, ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट में नया वीडियो निकला। अरे ऐसे मत, तू कुछ पूछना है तो पूछ। मुझे कुछ नहीं पूछना। पूछना बिना पूछे तो लड़की की माँ भी नहीं बोलेगी, लड़की क्या बोलेगी? अरे पिछले हफ्ते जो बनाया था वो तो खिला, ले खाओ। खाना इतना खराब था क्या? अरे खाना घर पे बनाने की क्या जरूरत है, होटल है ना, फास्ट फूड, फोन करो और खाना घर पर हाजिर। बेटा अब क्या है? अंदर आ जाओ बेटा, ये तुम्हें डांस करके दिखाएगी। मतलब ये ठुमका लगाएगी? अरे वाह। अरे ओ घुंगरू, अरे पायल घुंगरू तो वापस दे दे, कहाँ जा रहा है? घुंगरू दे दे। अरे रुक जा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। घुंगरू दे दे। बलि चढ़ाने के लिए मैं मिला था? 100 झूठ बोले, कोई फायदा नहीं हुआ। लाख से भी नहीं होगा। तेरी माँ मरने की धमकी दे रही है, मैं क्या करूँ? तो दोनों मिलके मुझे मार दोगे? शादी का मतलब है मंगलसूत्र, जयमाला, डबल बेड, फूल और बैंड बाजा, ये सब शादी के बाद ही मिलेगा। आप कर लो। दिमाग खराब हो गया तेरा? इस उम्र में भला मुझसे कौन शादी करेगा? वैसे भी मैंने नसबंदी करा ली है। वैसे तुझे शादी से इतनी एलर्जी क्यों है? शादी से एलर्जी नहीं है, जो लड़की लाए हो उससे एलर्जी है। तो क्या तेरे लिए हीरोइन ढूंढ कर लाऊं? आपकी पसंद नहीं चलेगी। बकवास पसंद है आपकी। मेरी बात तो सुन ले। मुझे फोर्स मत कीजिए, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। प्यार करता है? तूने पहले कभी नहीं बताया कौन है वो लड़की, क्या नाम है उसका? स्वाति। मंथली है या वीकली है? डेली। कुछ भी बोलते हो, स्वाति मेरी रूममेट है। रूममेट? एक लड़के की रूममेट लड़की कैसे हो सकती है? बहुत लंबी कहानी है, हालात ही कुछ ऐसे थे। कैसे हालात?
एक ही रूम में रहते हो तुम दोनों, पता नहीं क्या क्या कर चुके होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या बोल रहे हो? वो लड़की देवी है। आपको बताने की कोशिश की थी पर हिम्मत नहीं हुई। कब देखा उसे? हाल ही में देखा। हाल ही में देखा? और उसने तुझे देखा? नहीं देखा। मतलब उसने नहीं देखा? अच्छा है, कई भैंस पानी में। लड़की ने लड़के को देखा नहीं और लड़का प्यार कर बैठा। अच्छा छोड़, शादी के बाद एक दूसरे को अच्छी तरह से देख लेना, लेकिन शादी कर और अपनी माँ को बचा ले। ये हमारा गेस्ट हाउस है, चलो अंदर चलते हैं। कम ऑन, कम। इस फ्लोर पर तीन रूम्स हैं, आओ ऊपर दिखाता हूं। यहां पर दो रूम्स हैं, देख लो जो भी पसंद आए। ओके ओके। तक सोए नहीं अनंत? कब तक जागने का इरादा है? सुबह होने तक। इतना जागोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, चलो सो जाओ। फिक्र मत कीजिए भैया, नींद आ जाएगी तो मैं सो जाऊंगा। तुम्हारी मर्जी। Yep.
चेन्नूर शुगर फैक्ट्री में आग लगी और पानी रिश्ते लगा, पंजाब से वाटर स्पेशलिस्ट को बुलाया गया। वो पानी देखकर हक्का बक्का रह गया और उसने पानी की एक बूंद तक नहीं छुई। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। पूरे इंडिया में काम करते घूमते रहते और यहाँ कुछ नहीं हुआ, तो मैंने गुस्से में हैदराबाद की टिकट ली और सिकंदराबाद की ट्रेन में बैठ गया। कन्फर्म टिकट थी मेरे पास, फिर भी जनरल डिब्बे में बैठ गया। जनरल डिब्बा खचाखच भरा हुआ था, वहाँ उंगली रखने की भी जगह नहीं थी और मैं गद्दा बिछाकर सो गया। ट्रेन छुक छुक चल रही थी, मैं भाभी की गोदी में सर रख के सो रहा था। उतने में झलझला आ गया, ट्रेन बस टकराने वाली है और लोग मरने वाले हैं। तभी मैं सुपर हीरो की तरह हवा को चीरता हुआ इंजन की तरफ पहुंचा। वहाँ बंदर जैसा मोटरमैन मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा। तभी मैंने ताबड़तोड़ इंजन खोला, ब्रेक लाइनर को ऑयलिंग किया और एक्सेलेटर वायर को आगे से बांध दिया और पंक्चर वाला जो टायर था उसको ठीक कर दिया। ट्रेन जब चल पड़ी और अगले स्टेशन पहुंचे तो लोग हाथ जोड़ने लगे, धन्यवाद कहने लगे। उन्हें कैसे पता चला कि तुमने गाड़ी ठीक की है? तेरे जैसे सब गधे नहीं थे ना यार। ट्रेन की कहानी छोड़ो, अपनी कहानी सुनाओ। तुमने तलवार मारी कि नहीं? गया तो था उसे खचाक मारने के लिए, लेकिन मुझे उस गरीब पर तरस आ गया। लगा इसे तलवार मारूंगा तो बीवी बेवा हो जाएगी। ये सोचकर मैंने पुलिस को सच बता दिया। क्या बताया तुमने पुलिस को? मैंने उनसे कहा कि मारने का आइडिया तुम्हारा था। तलवार नुक्कड़ राजू का था ये भी बता दिया क्या? ये तो बताना ही पड़ेगा ना बे। जिंदगी बर्बाद कर दी तूने मेरी। अरे और कोई चारा ही नहीं था। क्या मीटिंग चल रही है यहाँ? मीटिंग नहीं हो रही है सर। अरे जाओ अपने घर जाओ, कहानी बाद में सुनेंगे। टाइम पास कैसे करें, उसकी मीटिंग चल रही थी। यहाँ कोई मीटिंग नहीं थी, हम तो तलवार और मर्डर की बात कर रहे थे। चुप कर, मैटर साफ साफ बताओ ना। किसका मर्डर? इसने आपके पास जो कंप्लेन लिखवाई है ना, बस वही। मैं यहाँ चिकन लेने आया हूँ और ये किस कंप्लेन की बात कर रहे हो? तलवार का क्या माजरा है? ये हमारे नुक्कड़ राजू है ना, ये हट्टा कट्टा जो खड़ा, यही वो महान इंसान है जो पैसे लेकर आइडिया बेचते हैं और साथ में तलवार भी बेचा। तो मर्डर कर दिया क्या? असल में स्टोरी में ट्विस्ट लाना पड़ा। वो क्या? मौके पे दिल पिघल गया और अपने आप को आपके हवाले कर दिया। तो क्यों बे, धंधा जम नहीं रहा है जो लोगों को मर्डर करने के लिए तलवार बेचने लगा है? चल मेरे साथ चले। पहली बार मेरा प्लान उल्टा पड़ गया, माफ कर दो, पैर पड़ता हूँ। ले जाइए इसे, हमारी कॉलोनी का बोझ कम होगा। ले जाइए। वो पागल है, उसे कुछ नहीं पता। पुलिस उसे क्यों ले गई? वो हम तुम्हें क्यों बताएं? दो दिन कह के तीन दिन में आ रहे हो, फाइन लगेगा। किरायेदार भाग तो नहीं गया, ये सोच कर डर रहे थे जीजा जी। थोड़ा काम पड़ गया था इसलिए रुक गया था, हटिया थक गया। तुम यही रुको, यहाँ सिर्फ तुम ही एक बोल बचन हो और पढ़े लिखे भी। लुक्का राजू को पुलिस ले गई, चलो उसे छुड़ा कर लाते। बहुत गर्मी लग रही है, नहा कर आता हूँ। तो तुम्हें नहाने की भी आदत है? क्यों, तुम नहीं नहाते? मैंने क्या किया? भूल गए, तुम्हारे इंतजार में कोई यहाँ पलके बिछाए बैठा है। मैं हर पल बस तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। मुझे लगा तुमने आकर दरवाजा खटखटाया और मैं झट से दरवाजा खोलने के लिए उठी तो पता चला कि मैं सपना देख रही थी और फिर पूरी रात सो नहीं पाई। तुम्हारे लेटर्स पढ़ पढ़ कर दिन गुजार रही हूँ। हर दिन लगता आज जरूर आओगे। मुझे तुम्हारे लेटर्स मिले, सॉरी आने में देर हो गई। असल में बात ही कुछ ऐसी थी कि ज्यादा दिन रुकना पड़ गया, पर एक भी पल ऐसा नहीं था कि जब मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। जब दो लोग एक दूसरे को चाहते हैं तो वो एक जैसा सोचने लगते हैं, ऐसा सुना था पर अब महसूस भी कर रहा हूँ। तुम यहाँ अकेली थी और मैं वहाँ। मुझे दुख है कि तुम्हारा अकेलापन मैं दूर नहीं कर सकता, पर जब वापस आया तो बाहर तुम्हारी साड़ी सूखती हुई देखी और बाथरूम के बाहर तुम्हारे स्लीपर्स, उन्हें देखकर लगा कि जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मेरा प्यार उनसे कहीं ज्यादा सच्चा है जो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि हम साथ ना होकर भी साथ हैं। अरे अनंत, यहाँ कैसे आना हुआ? Anything special? Nothing special भैया, ऐसे ही मिलने चला है। बैठो ना। दो कोल्ड ड्रिंक्स भेज दो और मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल्दी भेजो, मैं बाहर जा रहा हूँ। ओके, हाउ इज लाइफ? ओके, नॉट बैड। एक मिनट। हेलो, हाँ बोलो। सर ये रही आपकी फाइल। हाँ, I see. Thank you. You can go. Okay, sir. एक मिनट। He is my brother, Anant. ये स्वाति हमारी स्टाफ मेंबर, वेरी एफिशिएंट वर्कर। हेलो। सुब्रमण्यम, जरा अंदर आइए प्लीज। Yes, sir. अनंत क्या हुआ? Are you all right? I'm all right. यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मुझे पता होता कि मैं यहाँ रह सकता हूँ तो शायद मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करता। एनीवे, बेटर लेट देन नेवर। आप अपनी कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिए, मैं यहीं बैठता हूँ।
ओके आप जाइए। आइए सुब्रमण्यम सर, मैं अर्जेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, कोई फोन आए तो अटेंड करना प्लीज। ओके सर, बाय द वे ही इज माय ब्रदर। ऑलराइट, हेलो। ओके अनंत, ओके सर, सी यू। सी यू सर। मैगजीन वगैरह कुछ भेजूं आपके लिए? स्वाति को भेजो, वीकली। इसका नंबर क्या है? 375161। लगता है कट गया, सॉरी सर, कभी कभी रॉन्ग नंबर लग जाता है सर। कोई बात नहीं, इट्स ओके। फोन है या डिब्बा? सॉरी सर, बार बार आपको तकलीफ हो रही है। इट्स ऑल राइट। मम्मी की कसम, आज दिन भर फोन नहीं उठाऊंगा। अरे सत्यानंद, इस एरिया में हमारे कोई इज्जत ही नहीं करता। इज्जत पाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें दान देना चाहिए। सही कहा, पर दान में क्या देना चाहिए? अपनी बीवी। हेलो, कौन है? पुट्टा राजू का घर यही है। बोलो, मैं ही हूँ। क्या हुआ? कौन है ये? 40, 45। कौन है ये? इतनी जल्दी जल्दी नाप ले रहा है? टेलर है क्या? सरोजनी नए कपड़े सिलवा रही होगी। पैंट थोड़ी बड़ी रखना, वेस्ट लाइन अलग से पॉकेट रखना। मैं भी यही कहने वाला था। अच्छे से जानता हूँ तुझे। तू इसे जानता है लेकिन हम इसके बारे में नहीं जानते। कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। घबराओ नहीं, मुश्किल वक्त सब पर आता है, ऐसे वक्त में हिम्मत से काम लो। मुश्किल वक्त मेरा नहीं, आपका है। कल तक तो आप। कल क्या? कल। अरे पूछो ना इससे। अरे इतना सस्पेंस में क्यों रख रहे हो? नहीं सर, मुझे जवाब देना पड़ता है। जवाब किसे? अरे किसने भेजा है तुम्हें, बताओ ना। सर मुझे फ्रीली बात करना मना है। हाँ तो 100 रुपए ले लेना। तो चुप कर। भैया जी, आपका नाम क्या है और काम क्या है? मैं तो ताबूत बनाता हूँ। क्या ताबूत? इसका मतलब तू इनका नाप ताबूत बनाने के लिए ले रहा था? हाँ सर। किसने भेजा है तुम्हें? सेठ चमनलाल ने। आपने उनका कर्जा नहीं चुकाया, इसीलिए उन्होंने अपने प्रोफेशनल किलर किट्टू को भेजा आपको मारने। वो आपका दिया बुझाने के बाद आपको ताबूत में बंद करके गाड़ देगा। बस इतनी सी बात है, किसी को बताना मत, मैंने आपको ये बताया करके। अरे बाप रे, बड़ा खतरनाक आदमी है ये। कौन था वो आदमी? टेलर था, आपके पतिदेव का नाप लेने आया था। बुढ़ापे में जवानी चढ़ी है इनको। अगर पता चला ना कि नए कपड़े सिलाने के लिए पैसे चुराए हैं, तो टांगे तोड़ के ना पेड़ पे उल्टा लटका दूंगी। बात तो एकदम सही कही भाभी ने। किसी सड़क छाप गुंडे के हाथों मरने से तो अच्छा है अपनी बीवी के हाथों मरो, कम से कम इज्जत की मौत तो मरोगे। अरे डराओ मत यार, मुझे बताओ मैं क्या करूं। एक रास्ता है। वो क्या? लुक्का राजू को 5 रुपए दो, वो आइडिया देगा। देखो मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे साथ ही रहना। ओके। ओ कांता भाई, पति कहाँ है तुम्हारा? बाहर गया है। देर से आएगा क्या? हाँ। नुक्का राजू के आने तक तुम्हें एक कमाल का आइडिया देता हूँ, आजमा के देखो। अरे तो बताना, सोच क्या रहा है? अगर आपकी बीवी को पता चल गया कि चमनलाल ने आदमी भेज के आपका नाप लिया है, तो वो खुद ही आपको मार देगी। इसी बात का तो डर है। पहले रोना बंद करो, यहाँ हम पुराना तरीका अपनाएंगे। कौन सा? जितने भी जेवर हैं उसे बेच एक दो। एक अंगूठी थी जो मैंने परसों बेची है, अब बस गले का हार बचा है जिसे उसने अपने बक्से में रख दिया है। हाँ तो उसको निकाल के बेच दो। हाँ, देखो भाभी कुछ देर में आती होंगी। हाँ। हम उन्हें बातों में उलझा के रखेंगे, तब तक तुम हार चुरा लाना। क्या बात? अरे है, ये क्या कर रहे हो? क्या आइडिया दिया है, क्या मस्त आइडिया है। लुक्खा राजू तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। जल्दी जाओ। भाभी जी, क्या है? काम कैसा चल रहा है आपका? मंदा चल रहा है, अब क्या करूं आप ही बताओ। अब ये तो कुछ काम धंधा करने से रहे, काम का नकाज का दुश्मन अनाज का। सही बात। बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बहुत बढ़िया? मेरा मतलब है कि औरतें अगर माथे के बजाय सिर के पीछे बिंदी लगाएं तो कैसी लगेगी? बहुत ही घटिया। और गजरा पीछे के बजाय आगे लगाएं तो कैसी लगेगी? भयंकर लगेगी। अभी अभी आपके पतिदेव यहाँ से गए ना, उनके गले में मैंने जो कुछ देखा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्या? भाभी जी, ये डिब्बा खाली मिला, इसके अंदर हार नहीं है। अच्छा हुआ चोरी हो गया, वैसे भी काला पड़ गया था। और एक बात बताऊं तुम्हें, असली वाला बेचकर कुछ दिन पहले ही ये नकली खरीदा था।
वो नकली हार बेचने गया है, पता नहीं उस बेचारे का क्या हाल हुआ होगा, भगवान जाने। ये धनलक्ष्मी है मेरी बेस्ट फ्रेंड, और ये अमरीका प्रसाद। नमस्ते। नमस्ते भैया, आप अमेरिका में क्या करते हैं? इसने अमेरिका का मैप दीवार पर चिपका रखा है, रोज वहाँ जाने के सपने देखता है। एक्सक्यूज मी दीदी, वैसे तेरी स्टोरी कहाँ तक पहुँची? कौन सी स्टोरी? वही लव लेटर रूममेट वाली स्टोरी। अरे चुप बैठ, भांडा क्यों फोड़ रहा है? अरे तो तुम स्टोरीज लिखते हो? नहीं नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही, मैं थोड़ा बहुत टाइम पास कर लेता हूँ। ये कहानियाँ कहीं छपी है? रद्दी में पड़ी है। तो आजकल क्या नया लिख रहे हो? कुछ नहीं। क्यों, मुझे बताना नहीं चाहते हो? ऐसी कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि ऐसी स्टोरी लिखूं जो लोगों के दिल के करीब हो, सबको पसंद आए। अच्छी बात है। ओके बाय। बेवकूफ, पता है कौन थी? कौन थी? मेरी रूममेट। अच्छा, यही मेरा प्यार है स्वाति। पर तूने तो कहा धनलक्ष्मी है। उसे पता नहीं मैं उसका रूममेट हूँ, वो मुझे सिर्फ अपना दोस्त समझती है। बता तो देता, मुँह से तेरा असली नाम निकल जाता तो। वैसे भाई, ये सस्पेंस जरूरी है क्या? हाँ, इस लुका छुपी का भी अपना ही मजा है। अपने मजे को अपनी जेब में रख। अगर मैं तेरी जगह होता ना, तो उससे शादी करके अमेरिका में सेटल हो गया होता। हाँ तो चलना। कहाँ? अमेरिका? नहीं, अमलापुर। इनाम दूंगा, इनाम मिलेगा, इनाम दूंगा। अच्छे लग रहे हो। अरे क्या यार, मूंछ थोड़ी और बड़ी होती ना तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता। इतनी मेहनत करके सेंटा क्लॉस बना और तुमने झट से पहचान लिया। तुम ही हो जो दशहरा में सेंटा क्लॉस और क्रिसमस पर भगवान कृष्ण बन सकते हो। कल से तुम घर पर नहीं आए हो ना, तो सरोजनी भाभी बहुत डर गई है बेचारी। क्या बताऊँ, कल जब मैं हार बेचने गया ना। हाँ हाँ, बताओ क्या हुआ? अरे होना क्या था, जैसे ही सेठ ने हार को घिसा, उसे पता चल गया कि ये हार नकली है और उसने पुलिस को फोन कर दिया। पर पुलिस के आने से पहले ही मैं भाग अच्छा, लिया। पुलिस कहीं तुम्हें पहचान ना ले, इसलिए सेंटा क्लॉस बने हो। यस। सही है, अब चलकर अपनी बीवी को संभालो, रो रो कर पूरे मोहल्ले को डुबा दिया। चलो। पता नहीं उनके दिल में क्या था, जो ऐसे घर छोड़ के चले गए। अब मैं क्या करूं बेचारा, वैसे भी मार खा खा के लतखोर हो चुका था, अब वो कहीं भी जाकर जी सकता है। ऐसा मत कहिए भाई साहब, उनके बगैर मैं कैसे जीऊंगी, किसे डांटूंगी, किसे मारूंगी, कौन मेरे हाथों से चप्पल खाएगा, बताओ। सरोजनी, झूठ बोल रही है। सरोजनी भाभी, सरोजनी भाभी, रेलवे स्टेशन पर एक लाश मिली है, कहीं पुट्टा राजू की तो नहीं? सिर काम नहीं कर रहा है। क्या सिर काम नहीं कर रहा? पहले भी कहा उसका सिर काम करता था, वो पक्का पुट्टा राजू ही होगा। झूठ मत बोलो। ठीक है, ओके, घबराओ मत देवी, मैंने अपनी दिव्य शक्ति से देखा है, तुम्हारे पति जिंदा है, बल्कि वो तुम्हारे पास ही है। ऊपर वाले की दुआ से बहुत जल्द तुम्हें उनके दर्शन होंगे। सरोजनी, मैं आ गया। कहाँ चली गई थी? आपको पता है मैं कितना घबरा गई थी, कितना रो रही थी? आप ठीक तो है ना? चलिए अंदर चलिए। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं हूँ तुम्हारा असली पति। चलो असली पति। अरे मैं हूँ इसका पति, पहचान गई मुझे? तू कौन है बहरूपिया? असल में बात ये हुई कि अरे मार दिया। अनिल बेटा, मैं तेरा मामा बोल रहा हूँ तेरी जेब से। कब से लेटर भेजा हुआ है, पढ़ा क्यों नहीं अब तक? जल्दी पढ़ ले बेटा। तबीयत कैसी है? ठीक ही होगी, पर तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। सच कह रहा हूँ तेरी माँ की कसम, शुगर बढ़ गई और बीपी कम हो गया है। अगर उसके जीते जी तू शादी करेगा तो आशीर्वाद देकर कम से कम चैन से मरेगी। वो जहर खाकर मरने की कोशिश की, मैंने रोक दिया। कुएं में गिरकर मरने की कोशिश की, मैंने रोक दिया। आज फांसी लगा रही थी, मैंने रोक दिया। हे भगवान, अब ना जाने कल क्या कर बैठे, कौन सा नया तरीका ढूंढ ले। अरे तुझे पहाड़ तोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, शादी कर ले। देख बेटा, तेरे हाथ में ही है सब कुछ, दो ऑप्शन है तेरे पास, वो देख। ये है जयमाला यानी तेरी शादी, और ये है अस्सिया यानी तेरी माँ की मौत। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। या तू थूक मत, लड़की मिली है या नहीं, जल्दी शादी कर ले। आज मामा की चिट्ठी मिली, मेरे घर वाले मुझ पर शादी का दबाव डाल रहे हैं। जब मैं पिछली बार गांव गया था, उन्होंने मुझे बहुत सी लड़कियां दिखाई। मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए मैंने सबको मना कर दिया। माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मुझे हमारी शादी के बारे में जल्दी मिलकर कोई फैसला लेना होगा। मुझे लगता है हमें मिलकर बात कर लेनी चाहिए, तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। 70 साल की हो गई है, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द और साथ में शुगर है। तुम्हें ये सब कैसे पता? ऐसे बोल रहे हो जैसे वो तुम्हारी माँ है। वैसे सभी माओं को इस उम्र में ये बीमारियाँ होती है, इसलिए गेस किया। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? उसने लिखा है कि वो मिलकर शादी की बात करना चाहता है। तो मिलकर बात कर लो ना, तड़प रहा होगा बेचारा। मेरे लिए शादी करना इतना आसान नहीं। शादी करनी है, पहाड़ थोड़ी चढ़ना है। मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, पहले मेरी फैमिली सेटल हो जाए, उसके बाद मैं शादी करूंगी। तुम उसकी माँ के बारे में सोचो, वो सोच कर ही शादी कर लो ना। एक बात बताओ, तुम मेरे दोस्त हो ना, उसकी तरफदारी किए जा रहे हो? एक ही उम्र के है ना, इसलिए शायद हम दोनों की सोच भी मिलती है। नहीं, मुझे यकीन है कि मेरा अनिल
मेरी बात जरूर समझेगा। वो जरूर समझदार होगा, पर अगर तुम एक बार मिलोगी तो प्यार जरूर बढ़ेगा। मैं चाहती हूँ कि पहली बार जब हम दोनों मिले तो अपनी शादी पे ही मिले, तब जो वो खुशी मिलेगी मुझे उसे महसूस करना है। तो ये बात है, उसकी जिम्मेदारी जब तक खत्म नहीं होगी तो शादी नहीं करेगा। पर तब तक एक दूसरे से मिलोगे नहीं, ये कैसा प्यार है यार? हम इस दूरी और तड़प को हमारी शादी के दिन तक बरकरार रखना चाहते हैं। पर ऐसे में तेरा दोस्त तेरी शादी में नहीं आ पाएगा। क्यों, तुझे क्या हुआ? वीजा लग गया है, जल्दी निकल जाऊंगा। सच्ची? कांग्रेस, तेरा सपना पूरा होने जा रहा है। सुन, अमेरिका जाने के बाद इस अनिल को भूल मत जाना। अरे कैसी बातें कर रहा है, ये दोस्ती हम कभी नहीं छोड़ेंगे। और तू प्यार किए जा। हाँ, उसे बेटा हुआ है। हाँ, मैं तुम्हें सारी फाइल्स कल दे दूंगी। उसके घर फंक्शन भी होने वाला है। हाँ, आज अच्छा लगा ना। रुको रुको, आपका टिफिन मत खोलो। अरे बाप रे, ये क्या है? स्पेशल लंच है, आनंद बाबू ने इनके लिए भेजा है। लेकिन क्यों, उन्होंने होटल खोला है क्या? नहीं, स्वाति के लिए खास आनंद बाबू ने भेजा है। स्पेशल मील मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उन्हें बोल देना मेरे लिए रेगुलर लंच ही ठीक है। आनंद बाबू को बुरा लग जाएगा। तो तुम खाकर उन्हें खुश करो। ए आनंद, मेरा कंप्यूटर क्रैश हो गया है, तुम्हारे कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ, ठीक है? आनंद, ए अच्छा, तो अनंत को स्वाति से प्यार हो गया है। क्या हाल है अनंत, अकेले ही खेल रहे हो, क्या बात है? हाँ भैया, कोई साथ खेलने वाला मिला ही नहीं, अकेले खेलने का अपना ही मजा है, जीतते भी तुम हो और हारते भी तुम हो। सुनो, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना भैया। सच सच बताना, स्वाति को पसंद करते हो ना? वही स्वाति जो हमारे ऑफिस में काम करती है। देखो झूठ मत बोलना। Yes, I like her. Really? अब मैं क्या कहूँ भैया, जब भी उसे देखता हूँ तो लगता है बस देखता ही रहूँ, वक्त का होश ही नहीं रहता मुझे, बस उसे निहारता रहता हूँ। वो बेहद खूबसूरत है भैया। अनंत, प्यार करते हो उससे? शायद। आपको कैसे पता? तुम्हारे कंप्यूटर में उसकी फोटोज देखी, उससे प्यार का इजहार किया? नहीं, अभी नहीं। उसे बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा वो क्या सोचती है? जानता हूँ, पर हिम्मत नहीं हो रही। क्यों? एक बार मैं प्यार में हार चुका हूँ, दूसरी बार हार बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, बस इसी बात से डरता हूँ मैं। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नमस्ते साहब। नमस्ते जी। पधारिए। नमस्ते। मैं हूँ राम मोहन राव, ये मेरा बड़ा बेटा है किशोर। आपको कौन नहीं जानता जी, स्वाति आपके ही कंपनी में काम करती है। सुभद्रा, कॉफी लेकर आना। नहीं, हम किसी खास मकसद से आए हैं। आप खड़े क्यों हैं? उठिए मत, बैठिए ना। इतनी दूर से आप मुझसे बात करने के लिए आए हैं, कहीं मेरी बेटी से कोई गलती तो नहीं हो गई ना? नहीं, ये आप क्या सोच रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक स्वाति हमारी स्टाफ मेंबर थी, अब उसे फैमिली मेंबर बनाना चाहते हैं। तो फिर बात यह है कि मेरा छोटा बेटा अनंत आपकी बेटी स्वाति से प्यार करता है, हम उसी के बारे में बात करने आए हैं। मालिक, ये तो बड़ी खुशी की बात है, आपने खबर भिजवा दी होती। वैसे क्या ये स्वाति को पता है? अभी नहीं, आपकी बेटी को इस बारे में कुछ नहीं पता। हमने सोचा कि पहले एक बार आपसे मिलकर बात कर लें, फिर उससे बात कर लेंगे। आप इतनी दूर से मेरे घर पर आए, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, पर यह स्वाति के जीवन का प्रश्न है तो उसकी अनुमति अनिवार्य है। देखिए, इससे पहले कि आप स्वाति से बात करें, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अंदर चलकर बात करें। अवश्य। अनंत एक लड़की से प्यार करता था, पर एक दुर्घटना में लड़की की मौत हो गई। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका तो उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। हमने बहुत कोशिश की, जितना पैसा लगा सकते थे लगाया कि उसकी खुशी वापस लौट आए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर जब से उसने स्वाति को देखा है, हमने महसूस किया कि अनंत बदल रहा है, उसमें जिंदगी जीने की चाहत लौट आई है। वो स्वाति को बहुत चाहता है पर बताने से डर रहा है, बस हमें फिक्र थी कि कहीं स्वाति उसे मना ना कर दे। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, किंतु मानिक जी, प्लीज मुझे गलत मत समझिए। माना कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, पर यकीन करो, मैं रिश्तों को व्यापार नहीं समझता। मानिक जी, मैं यहाँ पर एक मजबूर बाप की हैसियत से आया हूँ, अगर दोबारा उसे वो लड़की नहीं मिली जिसे वो चाहता है, तो मुझे डर है कि पता नहीं इस बार वो क्या कर बैठे। भगवान ना करे अगर उसने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो, अगर हमारे बच्चे ही खुश नहीं होंगे तो ये धन दौलत हमारे किस काम की है। मानिक जी, अपनी बेटी को शादी के लिए राजी कर लीजिए, आपकी परेशानियां मैं दूर कर दूंगा, आपकी बेटियों की शादी धूमधाम से करूंगा, प्लीज मान जाइए। मैं आनंद के बिना नहीं रह सकता,
प्लीज बचा लीजिए मेरे बेटे को। मानिक जी, मेरे बेटे की जिंदगी बस अब आपके हाथ में है। पिताजी, कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज। एक कन्या का पिता होने के नाते मैं आपका कष्ट भली भांति समझता हूँ, किंतु समय दीजिए, मैं अपनी बेटी से बात करके आपको बता दूंगा। आपसे बात करके दिल हल्का हो गया। नहीं, धन्यवाद। ऐसा मत कहिए। मैं आपकी हाँ का इंतजार करूंगा। अच्छा, चलता हूँ। जी अवश्य। एक जरूरी बात करने के लिए मुझे अचानक तुम्हें गाँव बुलाना पड़ा। तुम्हारी कंपनी के मालिक अपने बेटे किशोर के साथ यहाँ आए थे। क्यों पापा? तुम्हारी शादी की बात करने के लिए। शादी? हाँ बेटा, दरअसल वो तुम्हारा रिश्ता अपने बेटे अनंत के साथ करना चाहते हैं। वो लोग अमीर हैं और दिल के बहुत अच्छे हैं। बड़ी बात तो यह है, तुम्हारी इज्जत करते हैं। आप बताइए ना जी। हाँ बेटी, और तुम अनंत को तो पहले से जानती हो ना? किशोर सर के भाई हैं, बस इतना ही पता है, पर अचानक से शादी की बात। मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। उनका बेटा तुमसे प्यार करता है, अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए वो स्वयं हमारे पास आए, पर शादी तुम्हें करनी है। रिश्ता अच्छा है और खुद चलकर आया है। मुझे लगता है ये शादी करके तुम हमेशा खुश रहोगी, इसलिए अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला करना। स्वाति, अपने बारे में सोचने से पहले एक बार पूरे परिवार के बारे में सोच लेना, फिर फैसला करना। ये परिवार मेरा भी तो है माँ, आपके सुख दुख से मैं अलग थोड़ी हूँ। सुभद्रा, शादी स्वाति की है, निर्णय उसी को लेने दो। स्वाति बेटा, अगर तुम ये शादी करोगी तो पूरे परिवार का भविष्य सवर जाएगा। बेटा, अगर तुमने शादी कर ली तो तुम्हारी बहनों को भी अच्छे घर के लड़के मिल जाएंगे, इनकी शादी भी तुम्हारी तरह धूमधाम से हो जाएगी। हमारी खातिर हाँ कह दे बेटा। सुभद्रा। नहीं पापा, इन्हें बोलने दीजिए। हर माँ को हक है ये बोलने का। हर माँ अपने बच्चों का भला ही चाहती है, उन्हें खुश देखना चाहती है। मैं इनका दर्द भली भांति समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा। ठीक है बेटी, आराम से सोचो। अरे, इतना क्राउड, दो बस का क्राउड एक ही बस में घुस जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, खड़े रहने की जगह नहीं होती। कंडक्टर टिकट के लिए मेरे पास आया, मैंने जेब में हाथ डाला और देखा कि 100 का नोट मेरे हाथ में है, लेकिन पीछे वाला बंदा बोला, ये 100 का नोट तेरा नहीं है, मेरा नोट है। मैंने गलती से उसकी जेब में हाथ डाला था। तुम तो हंसी नहीं, जोक पसंद नहीं आया? एक बात पूछूं, सच्चा दोस्त होने के नाते तुम मुझे एक सलाह दोगी, प्यार बड़ा है या फिर इंसानियत? ये तो वही वाली बात हुई कि पेन बड़ा या उसका ढक्कन। प्लीज प्लीज बी सीरियस। हमारी सोच और फैसले हालात के हिसाब से बदलते हैं, पर तुम्हारे मन में ये सवाल क्यों आया? बस यूँ समझ लो कि हालात ही कुछ ऐसे हैं, दुविधा में फंस गई हूँ। पापा ने कहा कि जल्दी गांव आ जाओ, कुछ काम है। दरअसल वो तुम्हारा रिश्ता अपने बेटे अनंत के साथ करना चाहते हैं। अगर तुमने शादी कर ली तो तुम्हारी बहनों को भी अच्छे घर के लड़के मिल जाएंगे, इनकी शादी भी तुम्हारी तरह धूमधाम से हो जाएगी। हमारी खातिर हाँ कह दे बेटा। सुभद्रा। तुम अभी तक मेरे बारे में सब कुछ नहीं जानते हो। मैं अनाथ हूँ, मेरी माँ ने मुझे पैदा किया और सड़क पर छोड़ दिया, बिना सोचे कि मैं कहाँ जाऊंगी, क्या होगा मेरा। लोग मुझे देखते और नजरअंदाज करके चले जाते, पर वो इंसान जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया,
उसने मुझे देखकर मुंह नहीं फेरा। उनके पास अपनी दो बेटियों को पालने तक पैसे नहीं थे, पर उन्होंने फिर भी मुझे अपनी तीसरी बेटी समझकर अपना लिया। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में उठाया और मेरी जान बचाई। अगर वो उस दिन नहीं आते तो मैं अब तक जिंदा भी नहीं होती। वो मेरे लिए भगवान है। मेरी जॉब, मेरे दोस्त, मेरा प्यार, मेरे पास कुछ ना होता। हम अक्सर एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, पर मेरी हालत तो ऐसी कि मैं कुछ भी करूं ये उनके लिए कहीं गलत ना हो जाए। जानती हूँ मेरी प्रॉब्लम है, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनके बारे में सोचूं जिन्होंने मेरी जान बचाई है, या फिर अपने प्यार अनिल के बारे में जो मेरे लिए जान से बढ़कर है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तुम्हारी कहानी सुनने के बाद कुछ कहने के लायक ही नहीं बचा। सोचो मैंने जो तुम्हें बताया उसे सुनकर अगर तुम्हारी ऐसी हालत है तो मेरा क्या हाल होगा, और अगर तुम मेरी जगह होते तो फिर क्या करते। ऐसा सवाल पूछ के तुमने मुझे कश्मकश में डाल दिया। ओके, मुसीबत में जो काम आए वही सच्चा दोस्त। मैं तुम्हारी जगह होता तो अनंत से शादी करके देवता समान पिता के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाता। ये फैसला करना मेरे लिए आसान नहीं है। शायद तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया। ये दिल भी ना, कैसे बताऊं इसे कि ये मेरा प्यार है। प्यार व्यार कुछ नहीं होता। अच्छा होगा कि तुम अनिल को भूल जाओ। पता नहीं वो कौन है, लेटर्स के जरिए जानती हो उसे। सभी लव स्टोरीज की हैप्पी एंडिंग नहीं होती, तुम भी यही समझ लो। प्लीज उसके बारे में सोचना बंद कर दो। मुझे एक जरूरी काम है, मैं बाद में मिलता हूँ, बाय। जरा एक मिनट। थैंक यू दोस्त। इट्स ओके। होशियारी, घर में लुक्का छिपी का खेल और वहाँ पार्क में प्यार परवान चढ़ रहा है। पता नहीं था कि ये हुनर भी है तुम में। मेरे जीजा जी की शर्त भूल गए लगता है जो उससे वहाँ पार्क में मिलते हो। हे भगवान, अगर ये बात अगर मैंने जीजा जी को नहीं बताई तो रात को नींद नहीं आएगी। अब मैं क्या करूं? मेरी बात तो सुनिए। मैं अपनी नहीं सुनता ना। ये बात नहीं है, पहले सच जान लीजिए, फिर आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। यही सच है, प्लीज किसी और को मत बताना। ये लो पैसे रख लो। नहीं, अब मैंने पैसे लेने छोड़ दिए हैं, चलता हूं। पापा, कोई भी पिता अपनी बेटी को उतनी आजादी नहीं देता जितनी आपने मुझे दी। आप अक्सर कहा करते थे भले ही हम जीवन में पैसे कमाएं या ना कमाएं, प्यार जरूर कमाना चाहिए, और अगर हमारा प्यार अधूरा रह जाए तो उससे बड़ी सजा जीवन में कुछ नहीं हो सकती। मैं किस्मत वाली हूँ जो मुझे प्यार मिला। अनंत अच्छा लड़का है, पर मैं अनिल से प्यार करती हूँ और अनिल से शादी करना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। सुनो सरोजनी, नायर ने घर खाली कर दिया, दूसरी शादी कर लो क्या? ठीक है, शादी कैंसिल। अरे लुका राजू, मुझसे मिलने कोई आया था क्या? नहीं तो क्या बात है? मेरे साले के दिमाग का पेंच ढीला हो गया है। पता नहीं वो कब क्या बोल जाता है। इसीलिए पागलखाने फोन किया था। जीजा जी, आपने फोन करके पुलिस को बुलाया क्या? मैंने तेरे रिश्तेदारों को फोन किया, वो कुछ ही देर में आते ही होंगे। तुझे क्या लगता है क्या करने वाले हैं तेरे साथ? लगता है जायदाद मिलने वाली है।
आ जाओ। पेशेंट पीछे। ये तो ठीक लग रहा है। अभी तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, पर कभी कभी पागलों वाली हरकतें करता है, और ये जो कुछ भी करता है पूरी कॉलोनी इसे पागल समझकर माफ कर देती है। मतलब अधूरा पागल है। क्या प्लानिंग चल रही है आप लोगों के बीच, मर्डर करने का? कुछ समझ में आया? हाँ समझ गया। मैं बसंती और मोहिनी, मुझे जादू की छड़ी चाहिए। अब तुम पूछोगे क्या बकराब है, अभी बताता हूँ। जिंदगी में एक ही बात सिखाई गई है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। गोली चलाते रहो, कभी तो निशाना लगेगा, वरना जिंदगी झंड हो जाएगी। कई साल पहले एक लड़की से प्यार करता था, जन्नत की हूर जैसी थी, और मैं था एक लंगूर जैसा। कभी इधर फुदकता तो कभी उधर, दिमाग में सिर्फ एक ही बात, कभी अपनी शादी के ढोल बजवाऊं और उसमें नाचूं, फिर छत पे अपनी स्वागरात मनाऊं। लेकिन मेरा ख्वाब टूट गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए एक शादीशुदा औरत। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा। अगर मुझे प्लॉट नहीं मिलेगा तो मैं पेड़ पर तुम्हारे लिए एक मकान बनाऊंगा। हे भगवान, ये नमूना कौन है? ये हमेशा मुझसे आइडियाज खरीदने आता है। शादीशुदा औरत से प्यार कर बैठा है, उसके पति को मारने का आइडिया चाहिए। और ये आइडिया लेकर पहले ही दो चार लोगों को मार चुका है। इसकी हरकतों से यही पागल लगता है। हाँ। पहले इसे पागल खाने ले चलते हैं। नुक्का राजू, इतने साल से हम इस पागल के साथ कैसे रह रहे थे? जैसे इतने सालों से तुम्हारे साथ रह रहे हैं। मेरी शादी एक करोड़पति लड़की के साथ तय हो गई है। आज के बाद कभी मुझे चिट्ठी मत लिखना। मैं तो तुमसे प्यार करता था। तुम सोच रही होगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो सब एक नाटक था, और ये सच है। मैं समझ गया था कि तुम्हारे लिए प्यार, बलिदान, संस्कार जैसी चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो मैंने बस उन्हीं को ढाल बनाया। प्यार, बलिदान, दर्द, ये सारी चीजें तो बस किताबों में अच्छी लगती हैं। प्रैक्टिकल लाइफ की दुनिया अलग होती है मैडम। तो अपनी आंखें खोलो और पैसे कमाओ। एक सलाह दूं, किसी अमीर आदमी के साथ शादी कर लो और जिंदगी में आगे बढ़ो। बाय। नमस्कार, मैंने आपके लिए अगरबत्ती नहीं जलाई तो आपने मुझे ये सजा दी। मैं तो ये लेटर लिखने में बिजी था ना, तो अब उसकी याद को मिटाने में मदद कीजिए। मैं उसे हमेशा के लिए भूल जाऊं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों लग रही हो? तबीयत तो ठीक है? बहुत गुस्सा आ रहा है, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। किसकी बात कर रही हो? मेरा रूममेट अनिल। ओहो। किसी पैसे वाले से शादी कर रहा है, लेटर लिखा गायब हो गया। कितना बड़ा धोखेबाज निकला। कहता है प्यार, बलिदान, ये सब सिर्फ बातें होती हैं। ऊपर से वो मुझे भी सिखा रहा है, धोखेबाज। धोखेबाज है, इसलिए तो चला गया। बहुत गुस्सा आ रहा है, दिल कर रहा है कि मैं उसे इस वक्त बस चप्पल से मारूं। पता नहीं बेचारे ने किस मजबूरी में ये फैसला लिया होगा। तुम उस धोखेबाज की तरफदारी क्यों कर रहे हो? चाहे कोई भी मजबूरी हो, इसका मतलब ये है कि तुम दिल दुखा के चले जाओगे। वो पैसों के लिए कितना गिर गया, अ डर्टी स्काउंडल। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हारा दोस्त हूँ इसलिए कह रहा हूँ, अनंत से शादी कर लो। अनिल की तरह वो तुम्हें धोखा नहीं देगा, तुमसे बहुत प्यार करेगा। सजेशन के लिए थैंक यू। भले ही मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, पर मैं खुश हूँ कि कम से कम मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर तो सकूंगी। मैं आज ही घर पर फोन करके पापा को शादी के लिए हाँ कह दूंगी। तुम्हें मेरी शादी में जरूर आना है, और सिर्फ आना ही नहीं, शादी की तैयारियां भी तुम्हें ही करनी है। ये तो मेरा फर्ज है। अनंत, ए अनंत, ए खुशखबरी है, स्वाति ने हाँ कर दी। What? Yes. No, I can't believe it. You are joking, भैया। अभी स्वाति के पापा ने फोन करके बताया। यहाँ थोड़ा साफ कर। हाँ ठीक है, चलेगा। इसे ऐसे देखकर सिर में दर्द हो जाता है। मेरा भी।
सरोजनी भाभी जिद पकड़ कर बैठ गई है कि नकली वाला पति ही मेरा है। मैं उसे मार डालूंगा। बेवकूफी होगा, इसलिए भाभी को फर्क पता नहीं चल रहा है। अरे कैसा दोस्त है। तो चलो चलकर कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं। ये क्या कोई मैथ का सवाल है जो तुम सोल्यूशन ढूंढ रहे हो? चल। ए भगवान, भगवान का शुक्र है कि मेरे पति जिंदा लौट कर आए। मैं मंदिर ही गई थी पूजा के लिए। हाँ, अब मैं बदल गया हूँ। मैं अपनी जान से भी ज्यादा इसका ख्याल रखूंगा, तुमसे भी ज्यादा। इसे मार क्यों नहीं देते? तुम्हें इसे रोकना चाहिए। हाँ सही कह रहे हो, मैं इसे मार डालूंगा। ये मेरी पत्नी है सरोजनी, और मैं इसका ओरिजिनल पति हूँ पुट्टा राजू। तुझे तो मैं ठीक कर दूंगी डुप्लीकेट पति। सरोजनी भाभी इसे मत फेंकिए, बहुत तेज है, इसकी गर्दन उड़ा देगा। असली पुट्टा राजू कौन है ये पता लगाने के लिए एक टेस्ट करते हैं। अरे नहीं नहीं, हो गया। मेरे पति को ना हर काम में ना कहने की आदत है, मिल गया सबूत, यही मेरे पति देव है। वो नहीं है। तू ये बात पहले बोलनी थी ना। अरे अब मैं क्या करूँ, मेरी बीवी किसी और के साथ रह रही है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ये। मैं मरने जा रहा हूँ, मरने जा रहा हूँ, जहर खा लूंगा, छत से कूद कर मर जाऊंगा, नदी में कूद जाऊंगा, मुझे छोड़ो। मैं क्योंकि अब तुम सुधर चुके हो तो सच सुनो। हर बार गलती को छुपाने के लिए तुम चिट्टी बाबू के पास आइडिया लेने पहुंच जाते थे। इस तरह तुम बहुत बिगड़ चुके थे। तुम्हें सुधारने के लिए मैंने लुक्का राजू से आइडिया लिया और इस डुप्लीकेट को खड़ा कर दिया। आज के बाद भाभी की बात सुनना और उनकी मदद करना, बाकी बात भाभी बताएंगी। अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना गर्दन तोड़ दूंगी। ओके ओके नहीं करूंगा। लेकिन ये बताओ, ये डुप्लीकेट 3 दिनों से तुम्हारे साथ रह रहा था, इसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? ठीक है। ये साड़ी कैसी लगी? ओके है, पर लाल रंग की ज्यादा अच्छी लगेगी। ओके, तो ये पैक कर दीजिए। हेलो स्वाति। नमस्ते भैया। हाय। हाय। ये कुमार है, मेरा बेस्ट फ्रेंड कुमार। ये किशोर। हेलो, नाइस मीटिंग यू कुमार। ये अनंत। हेलो। हाय अनंत, वेट स्वाति के वेडिंग कार्ड्स प्रिंट करने दिए हैं, वही अनंत हो ना? यस यू आर राइट, नाइस टू मीट यू। स्वाति कल तुम्हारे पापा से बात हुई थी मेरी, वो कल सुबह आ रहे हैं। जी उन्होंने बताया मुझे। वेल मिस्टर कुमार, भले ही आप स्वाति के दोस्त हैं, पर फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से पर्सनल इनवाइट कर रहा हूँ। हमारी शादी में आपको जरूर आना है। जी जरूर, मुझे तो आना ही है। ओके अब मैं चलता हूँ, तुम दोनों मिलकर शॉपिंग करो। सुनो इसकी चॉइस बहुत ही बेकार है, तुम चूज करना। अनंत की चॉइस तो बेस्ट ही है। Hey, thanks. Okay, मिस्टर कुमार, see you. Okay, sir. Bye, bye. मैं भी चलता हूँ। क्यों? मुझे कुछ काम है, और वैसे भी अनंत आगे है तो तुम दोनों शॉपिंग साथ में करो और वक्त बिताओ। चलता हूँ, बाय। थोड़ा रुक जाओ ना, तुम होते हो तो फिक्र नहीं होती। फिक्र की क्या बात है, तुम्हारा होने वाला पति साथ है ना। कितनी किस्मत वाली है, करोड़पति लड़का मिला है इसे, करोड़पति। काश सबकी किस्मत ऐसी हो, पिछले जन्म कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। अच्छे कर्म करोगी तो अच्छा पति मिलेगा। टेंट लगा है कि नहीं जाकर देखो। जा। भैया भैया भैया, फूल लेके आया। इतनी देर क्यों लगाए? ऑटो पंचर हो गया। आज भी आने की क्या जरूरत थी, शादी के बाद आते। जाओ अगला टेंट। अरे जल्दी से तैयार हो जाओ, टाइम नहीं है। मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है ना? बहुत हो रही है। अरे अभी भी बहुत सारे काम पड़े हैं, मुझे ही करने हैं। चलो ये शगुन का गजरा पहन लो। अरे जल्दी जल्दी करो, बहुत देर हो गई है। अरे जल्दी जल्दी करो, क्या कर रहे हो, बारात आती होगी। अरे ये क्या कर रही हो? तुम्हारा धन्यवाद कर रही हूँ, एक दोस्त होने के नाते तुमने बहुत मदद की। तुमने शादी की सारी जिम्मेदारी उठाई कुमार बाबू, पता नहीं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका पाएंगे। आप मेरी तारीफ छोड़िए, दुल्हन को तैयार कीजिए, फेरों के लिए देरी हो रही है। तुम तैयार हो जाओ, मैं देख लेता हूँ खाना तैयार है कि नहीं। चार बंदे गड्डी के थले आके मर गए। क्या हुआ, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इतना सन्नाटा क्यों है? ये पाजी बैठे हैं, इनसे पूछता हूँ। क्या हुआ भाई साहब? वो स्वाति और अनिल, मैं उनसे मिलने आया हूँ। आज शादी है ना, सारे वहीं पर गए हैं। आज शादी हो रही है? I'm very happy. मैं दोस्त को आशीर्वाद दे के जाऊंगा, लकी फेलो। वो तो अमेरिका में कर्फ्यू लग गया था इसलिए मैं रुक गया, शादी में जाके पेट भर खाना खा के निकलूंगा। शादी कहाँ पर है? शादी सत्य साई बाबा के हॉल में है, और सारे अभी गए हैं। वो मेरी हड्डी टूट गई ना, तुम्हारे लिए वहाँ से खाना लेके आऊंगा। तुम जाकर देखो पंडित को क्या चाहिए, और पूजा की सामग्री रख दी अंदर, जाओ जाकर चेक करो। हमारी तरफ से काम में थोड़ी भी कमी नहीं रहनी चाहिए, जाओ जल्दी जाकर देखो। कुमार बाबू जी, हमें दूल्हे को लेने जाना है, चलें? आइए चलिए। अंदर ही। क्या इधर? अंदर। हाँ रुक दो रुक दो, एक रुपया ज्यादा पड़ेगा तो दूंगा नहीं। वेरी गुड, रॉकेट की स्पीड से लेके आया।
जान तक जाएगा। पाँच रुपए ज्यादा तो ना सर। तुम लोग कभी सुधरोगे नहीं। नो एक्स्ट्रा मनी। मेरे साथ अंदर चलो और शादी का खाना खा ले, ठीक है? एक काम करो ना, मेरे लिए पार्सल लेके आओ ना सर। तो अरे यार जोर से भूख लगी है, खाना कब मिलेगा? मेहमान लोग बाद में खाते हैं, पहले नौकरों को खाना मिलता है। उठा राजू, एक काम करो, हमारे खाने के बाद पत्ता लुटा लेना। और उसमें खाना। खाना भी तो काम ही है। बिल्कुल सही कहा। ये कौन आ गया? ट्रम्प का भतीजा। तू ठंडा पियो, ठंडा रहे। वो कहाँ पे बता? लड़के की तरफ से हो क्या? और लड़की दोनों की तरफ से हूँ। और कुछ जानना है? नहीं कुछ नहीं जानना, आगे जा। अभी अमेरिका में होता तो ऐसे बेवकूफ़ों से सामना नहीं होता। ए, हीरो कहाँ पर है? हिंदी वाला, पंजाबी वाला, मराठी वाला, कौन सी? अबे ये सब नहीं। दूल्हा कहाँ पर है? गेस्ट के कमरे में, मुझे क्या मालूम, जाके ढूंढ लो। अच्छा चल के बता मुझे कमरा कहाँ पर है। अरे मुझे क्या मालूम, जाओ ना। अजीब पागल है। ये दुल्हन का कमरा है। तो दूल्हे का कहाँ पर है? उधर। अच्छा लगता है उस टोपी वाले ने मुझे टोपी पहनाई। अच्छा काका, हा? मेरा दोस्त है तो उसे भेज दूंगा। चलो पहले इसे भेज करता हूँ। लेडीज फर्स्ट। हेलो स्वाति जी, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आप कौन? भूल गए क्या? कोई बात नहीं, एक बार ही तो मिले हैं। मैं कुमार का दोस्त हूँ। हाँ, आप वो अमेरिका वाले दोस्त हैं ना? हाँ, मैंने सोचा अमेरिका जाने से पहले शादी अटेंड कर लूँ। वैसे मानना पड़ेगा आपने जो सोचा था पा लिया। मतलब ये आप लोगों ने कसम खाई थी कि शादी वाले दिन ही एक दूसरे को देखोगे, इच्छा पूरी हो गई। वैसे आपने उसे देखा कि नहीं देखा? किसकी बात कर रहे हैं आप? और किसकी? कुमार की। कुमार उसे देखना है? क्या बात कर रहे हो तुम? और कुमार ने अनिल के बारे में कुछ बताया नहीं है क्या? कुमार अनिल के बारे में क्या बताएगा, इनफैक्ट उसने तुम्हें बताया नहीं क्या? वो दोनों एक ही है। ये क्या कह रहे हो तुम? अनिल, अनिल और कुमार एक ही है? हाँ, अनिल आपका रूममेट जिसे आपने नहीं देखा, कुमार जिससे आप रोज मिलती हो, आपका दोस्त, दोनों एक ही है, अनिल कुमार। सॉरी मेरी बकबक से आपका सारा सरप्राइज खराब हो गया। अच्छे लग रहे हो, सच रहे हो आज तो। बेटा एक बात सुनो, आप अंदर जाकर मेहमानों का वो मैं देखता हूँ। पानी का टैंकर आ गया, उसे खाली करवा लो। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, आप अंदर संभालिए। अरे तुम किसके ख्याल में खोई हो? मैं अनंत को लेकर आ गया हूँ। अरे अरे प्रसाद, तू यहाँ कैसे? वो मैं है। पहचाना? अमरीका प्रसाद, मेरा बेस्ट फ्रेंड। एक बात बताओ, ये कुमार का फ्रेंड है या अनिल का? प्रसाद ने मुझे सब कुछ बता दिया, तुम ही अनिल हो और तुम ही कुमार हो, यही सच है ना? आज तुम्हें सच बताना होगा, तुमने ये नाटक क्यों किया? क्यों? किसके लिए किया? रूममेट बनकर तुम मेरे करीब आए, मेरे साथ प्यार का नाटक किया और पता नहीं क्या क्या उम्मीदें जगाई, फिर कुमार बनकर दोस्त बन गए और मुझे इस शादी के लिए राजी कर लिया। क्यों किया तुमने ये सब? ये मैं बताता हूँ, इसने ये सब तुम्हारे परिवार की भलाई के लिए किया, तुम्हें बहुत चाहता है। हम तुम्हें बता रहे हैं क्योंकि हमें सच मालूम है, अनिल वाकई बहुत अच्छा लड़का है। इसने ये सब तुम्हारी खुशी के लिए किया। हाँ अनिल ने ये सब किया ताकि तुम खुश रहो। जान चुकी हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हो अनिल। अब मुझे बताओ, सच जानने के बाद क्या तुम चाहते हो कि मैं ये शादी कर लूं अनिल? अनिल बनकर सोचना और दोस्त की तरह एक सलाह देना, क्या ये शादी मुझे कर लेनी चाहिए? कर लो।
कह रहे हो अनिल? क्या तुम सच में यही चाहते हो? दोस्त की सलाह है और अनिल की रिक्वेस्ट है, तुम्हें ये शादी कर लेनी चाहिए। क्या शादी कर लो, कर लो शादी। अनिल, प्लीज कम हियर मिस्टर अनिल। तुमने शादी के कार्ड्स पर स्वाति वेड्स अनंत लिखवाया था ना? जी, उसमें कुछ गलती हो गई क्या? बिल्कुल, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। शादी के कार्ड्स पर तुमने अनंत लिखवाया जबकि अनिल लिखवाना था। हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। झूठ मत बोलो। सर, भले ही एक रूम में हम रहे हों लेकिन हमने एक दूसरे को आज तक देखा तक नहीं था। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक रूम में रहते थे और ये भी कि तुम एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। अगर आज मैं स्वाति से शादी कर लेता हूँ तो मुझसे बड़ा स्वार्थी इंसान और कोई नहीं होगा। स्वाति की आंखों में आंसू देखकर मैं समझ गया था कि इसने शादी के लिए दिल से हाँ नहीं की है, अपने प्यार का गला घोंट कर हाँ की है। बेटा आनंद, क्या कह रहे हो तुम? मुझे बताओ, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, द ओनली सॉल्यूशन। मिस्टर प्रसाद, कम हियर प्लीज, कम। ये वही है जिसने मुझे सच्चाई बताई। नॉनसेंस, खेल समझ रखा है? आज शादी है और तुम? शादी आज ही होगी लेकिन इन दोनों की। पर बेटा आनंद, फिक्र मत कीजिए पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे प्यार खोकर ही पता चला कि प्यार होता क्या है। प्यार खोने का दर्द मैं जानता हूँ और मैं नहीं चाहता इन्हें भी ऐसा ही दर्द महसूस करना पड़े। मेरी तरह मैं अपने स्वार्थ के लिए इन दोनों के प्यार का गला नहीं घोट सकता। और पिताजी, मैंने इसे सिर्फ पसंद किया है और पसंद करना प्यार नहीं होता। प्यार तो ये एक दूसरे से करते हैं। पर बेटा, मैं जानता हूँ कि आपको डर है कि मैं कहीं कुछ कर ना लूं। डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा। मुझे लगा प्यार ही जिंदगी है, अब समझा कि प्यार जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है और ये मुझे अनिल ने समझाया। अगर जिंदगी में आपको प्यार नहीं मिला तो जिंदगी खत्म नहीं होती। आज इन दोनों को मिलाकर मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। आई एम रियली हैप्पी। अब लग रहा है कि यहाँ शादी हो रही है। स्वाति बेटा, मैंने बिना सच जाने ही अपने बेटे की शादी तुमसे तय कर दी। अनिल, तुम सच में महान हो। मैं तो हैरान हूँ कि आज भी दुनिया में तुम्हारे जैसे निस्वार्थ लोग जिंदा हैं। मुझे ये जानकर हैरानी हुई। कमाल है, अभी तक मैं सिर्फ एक बाप बनकर ही सोच रहा था, पर आज मेरे बेटे अनंत ने मेरे अंदर की इंसानियत को जिंदा कर दिया। कमाल है। स्वाति, मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता था, पर आज बाप बनकर मैं तुम्हारी शादी करूंगा। मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर विदा करूंगा। मानिक जी, जो पैसा मैंने आपको देने को कहा था ना, आज मैं अपनी बेटी को वो शादी का तोहफा समझकर दे रहा हूँ। पंडित जी, मंत्र पढ़िए और तुम लोग शहनाई बजाओ भाई। राजू, आशीर्वाद दोगे या खाना खा के चल दोगे? ये सब देख कर मेरा भी मन कर रहा है कि मैं फिर से शादी कर लूं तो कितना अच्छा हो। शादी किससे? और किससे? तुम्ही से। तुमसे फिर से शादी करूं? इतनी बुद्धू नहीं।